तुझे क्या देखता है? देखो तेरी माँ की पड़ी क्या बोला? मतलब आपकी माँ की और मेरी माँ की कुंडली सेम है, इसीलिए हमारी पटती नहीं है, समझ रहो? अंधा हूँ मैं, हैं? ऑटो जा रहा है उनको ऊपर गाड़ी चढ़ा दूँ, पैदल चलने वालों को कुचल दूँ, हैं? अब एक काम कीजिए आप, अभी हम यहाँ बैठेंगे जैसे आप बैठे हैं, और आप वहाँ बैठेंगे जहाँ हम बैठे हैं, गाड़ी चलाइए। सेठ हिंगो रानी अगली सीट पर बैठकर गड्डी चलाएगा और तू पीछे सेठ की तरह बैठेगा। तेरी इतनी हिम्मत, आज तू घर चल, मैं तेरा सारा हिसाब करता हूँ। सुन, हिसाब किताब तू बाद में कंप्लीट करना, ये पड़ी तेरी नौकरी, उठा ले। बड़ी, अरे बड़ी सुनो ना, बड़ी सुनो तो, बड़ी बड़ी बात तो सुनो। बड़ी, मुझे ड्राइवरी नहीं आती। ये तो भैया तुमको पहले सोचना चाहिए था, ड्राइवर से पंगा ले लिया। अरे बड़ी ड्राइवर, अबे नमस्कार, मैं हूँ लाल और मुझे चाहिए माल। अभी हम लोग गणपति बिठाते हैं और गणपति बिठाते वक्त बहुत सारे लोग चंदा मांगने जाते हैं, सब लोग चंदा मांगने जाते हैं घर घर में। अब उनकी किस तरह से क्या हालत होती देखिए। टिंग टोंग, इतने में कोई खड़ूस आदमी दरवाजा खोलता है, क्या चाहिए? चंदा चाहिए, चंदा। अच्छा बेटे, चंदा जाओ इनके साथ। नहीं नहीं सर, हमको वो चंदा नहीं चाहिए, हमको चंदा 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 चाहिए। इतनी बार में तो चंदा मांगने आए थे सर, वो 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 गोविंदा का चंदा था। तो इस बार क्या चक्के पाने के चंदा मांगने आए हो? गेट आउट फ्रॉम हियर। आगे बंदे गए एक भैया जी के पास, भैया जी के पास में गए तो भैया जी कहने लगे, हम आपको चंदा नहीं दे सकते, आप लोग चीटिंग करते हैं। पिछली बार 551 रुपए लेकर गए थे। हाँ हाँ। और करके गए थे कि गणपति का मूर्ति बिठाएंगे। हमने 10 के 10 दिन देखा, गणपति का मूर्ति खड़ा के खड़ा था, आप चीटिंग करते हैं। दासा, आज मैं बहुत खुश हूँ यार। देख रहा हूँ देख रहा हूँ। पैसे के आ गए तेरे पास साले, औकात भूल गया आपने? कल तक बोलता था जीजा, आज बोलता है दासा। I'm sorry। एक बात बता, 2 लाख रुपए का तू करेगा क्या? एक काम करूंगा, इस कंपनी का मालिक कौन है? अनिल अपना, उसके साथ पार्टनरशिप कर लो क्या? कर लो कर लो, वड़ा पाव की दुकान लगाऊंगा, वड़ा पाव सेंटर। मेहनत उसकी, पैसा मेरा। अरे इसे भी देख ले, भाग यहाँ से। अमीर लोगों के बीच सो रहे हैं जब हमारे साथ कोई बैठने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, गरीब कहीं के। 2 लाख रुपए हैं तेरे पास? हाँ। अबे तो अनिल के संग पार्टनरशिप करने की क्या जरूरत है? तो है? तो खुद का शॉपिंग मॉल खोल लेंगे। अपने पास जमीन कहाँ है शॉपिंग मॉल बनाने के लिए? है जमीन ही जमीन है, जमीन जमीन है, ये जमीन और क्या। एड़ा, ये जमीन तो सरकार की है। अबे सरकार भी तो अपनी है। हा? नहीं, वोट कौन देता है? हाँ? तू आइडिया बना, मैं सरकार से बात कर लूंगा। मतलब ये है कि मेरी शॉपिंग मॉल की बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। देख, उसमें रहेंगी बहुत सारी दुकानें। करेक्ट। सबसे पहली दुकान रहेगी ज्वेलरी। यस। बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू। ओके। स्पोर्ट्स वियर। ओके। और सबसे कोने में रहेगी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान। हाँ, प्लाज्मा टीवी। यहाँ प्रॉब्लम है। हाँ? क्या प्रॉब्लम है वहाँ? अबे वो चंदू चोर है ना अपना पड़ोसी। हाँ, 11 मुल्कों के हवलदार ढूंढ रहे उसे। 24 केस कर चुका है सक्सेसफुली। हाँ? चोरी करने की कोशिश के। हाँ? कल मिला था। हाँ? कह रहा था सिल्वर जुबली मनाऊंगा। उसके सर पे ये बोतल मारूंगा मैं। करने नहीं दूंगा मैं। पूछे ये कैसे पता चला कि हम टीवी की चोरी के बारे में पूछ रहे?
आजमा टीवी चोरी करेगा तेरी। यार ये तो बता, ये प्लाज्मा था किधर? अबे दुकान में। और दुकान किधर है? अबे शॉपिंग मॉल में। शॉपिंग मॉल किधर है? तेरी मैदान में तो खाली है, कुछ भी नहीं है इधर। करेक्ट है भाई, सॉरी भाई। लाला, मेरे को एक आइडिया हो रहा है। अरे कहां पर भैया? हाँ तो मैं तो वहीं खड़ा हूँ। फोन से कान हटाएगा तो दिखेगा ना यार, गली नंबर 4 चोर बाजार, आगे से जाए। सलाम वालेकुम अनिल भाई। वालेकुम, क्या हाल है? बोल। लाल, मिस्टर लाल, एमडी उर्फ चेयरमैन ऑफ A1 टूर्स एंड ट्रैवल्स। मैंने तो कार्ड भी छपवा लिया है, ये देखिए। सर मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी बस बनाऊँ जिसमें एक एयर कंडीशन हो, एक कमाल की ग्राहकों के लिए सुविधा हो, हमारे पैसेंजर खुश हो, खिड़कियाँ ठीक हो, सीटें ठीक हो। मैं एक्चुअली टायर के ऊपर महल खड़ा करना चाहता हूँ। पैसा लाए? पैसे की इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, साथ ही में लाया हूँ, कैश लाया हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप देख लीजिए जरा, ऐसी चीज हमको दें ताकि उससे ऐसी बस बने कि हमारे पास जो भी ग्राहक आए, जो भी पैसेंजर आए, वो बाहर निकल के हमारे बस की तारीफ ही करे बस। भगवान जी, आज आप फेस टू फेस मिल गए तो सोचा पर्सनली दिल की बात बोल दूं। वो क्या है, आजकल फ्लॉप फिल्म के हीरो की वजह से और हिट सीरियल के प्रोड्यूसर की वजह से आपसे मिलना ही मुश्किल हो गया है। ये लंबी लंबी लाइन होती है। नहीं, किसी फिल्म स्टार की तरह मैं आपसे कोई ये नहीं कहूंगा कि आज खुश तो बहुत हो गया आप। हाय, ये नहीं कहूंगा मैं आपके सामने, मुझे मेरा करियर चाहिए। मुझे करियर से याद आया, अरे दासा तूने बस नहीं दिखाई अभी तक। बस आई कहां है अभी तक? हाँ? अरे यार बस एकदम करेक्ट है, कंडक्टर करेक्ट होना चाहिए बस। कंडक्टर भी एकदम करेक्ट है, बस प्रभु की कृपा हो जाए, मुझे सवारियां भी करेक्ट मिल जाए तो मजा आ जाए सफर का। नहीं बजा हमको। बोल। नहीं बजा हमको। बोल। ना मुंह खोल दे, ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अरे मारते मारते तो अब हम भी थक गए। दारुण लोकेशन। लोके कि गुड नाइट है, गुड मॉर्निंग कुछ पता ही नहीं चल रहा सी। ये कैमरा क्या है? कैमरा सुनील के आछे बाबा, बाकी किंतु हमी देखछी ई मु ओपन करबे ना करबे तुम्हार ऊपर हार्ट सर्जरी जरूर हो जाबे बाबा। तुसी कुछ लेते काय पड़ी ना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाबे एंड तुसी विद कमिंग कब्रिस्तान विच। तो हमारा बेइज्जती रिकॉर्ड करके आज तक चैनल में भेजेगा तुम? अरे छड्डू बाबा, तुम्ही आमी पंजाब बंगाल टेरिटरी सुपर हिट, आमी फेमस हो जाबे। बहुत बहुत स्मार्ट है, तुमको बोला गधा, गधा नहीं है तुम। आई काफी कुछ हो गधा दादा, अभी गधा नहीं, गधे का पुत्र दादा। फोन बजला है, तुसी फोन चक्को असी अनु चाहते हैंगे। हाउ डू यू फील सामा, खाया क्या रात में? मछली खाया या बीमार खाया? पहले चलता है मेरा डंडा, फिर आता है दुनिया का फंडा। उस बुड्ढे की हलक से उसकी जबान हिली क्या? नहीं सर। देखो मरने से पहले उसकी जबान खोलनी चाहिए, उसको बोलना चाहिए, नहीं तो तुम लोगों के मरने का वक्त करीब आ जाएगा, समझे? मार खाएगा बाबा। की कर्ची कर्ची की समझे? समझा बोल बोल। ए बाबा, जे एम मर गया ना ते अपन दोनों बुझते पड़ी ना बाबा। तुम्हें थैंक यू बोलो, थैंक यू। I don't know. Baba! Oh! अमावस की रात थी, प्रियंका अपनी शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए
अपने पति के साथ अपनी पुरखों की हवेली झंझावट में आई थी। प्रियंका अपने रूम में थी, संजय उसके लिए खाने का इंतजाम करने के लिए कहीं गया हुआ था। तभी प्रियंका ने देखा कुछ जूतों की आवाज गैलरी से आ रही थी, ठक 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 ठक, जैसे जूते नसी खा रहे थे। आवाज बढ़ती जा रही थी, ठक 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 ठक। प्रियंका ने सोचा कि शायद उसका पति आया है। प्रियंका जल्दी से भागी, मगर क्या, वहां वहां दूर 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 तक संजय नहीं था, न गैलरी में न बालकनी में, कहीं नहीं था। प्रियंका के होश उड़ गए, प्रियंका के होठ 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 सूखने लगे, प्रियंका को प्यास लग गई। प्रियंका बाथरूम की ओर दौड़ी, बाथरूम का दरवाजा खोला, तभी 40-50 चमगादड़। प्रियंका घबराई नहीं, प्रियंका अंदर पहुंची। उसने देखा कि बाथरूम का बल्ब मुरझाया हुआ सा रोया सा, किरकिरकुट जल रहा था, जलने की कोशिश कर रहा था। प्रियंका ने नल को देखा, नल ने प्रियंका को देखा, मानो नल जानबूझ के मासूम ढंग से यूं खड़ा था। प्रियंका को मालूम नहीं था जो कि ऊपर शावर है या फव्वारा है, वो प्रियंका को देख रहा था ऐसे। शावर की और नल की अंडरस्टैंडिंग थी, जब नल से पानी टपकता था शावर रुका रहता था, जब शावर से पानी की बूंद गिरती थी तब नल रुका रहता था, नल से पानी ऐसे आता था। और शावर, नल, शावर। प्रियंका ने मासूमियत के साथ जैसे ही टैप को ऑन किया, टैप से आवाज आई, प्रियंका घबरा गई। प्रियंका बाथरूम से निकल के बेडरूम की ओर भागी, बेडरूम में से जो कुछ देखा प्रियंका के होश उड़ गए। मछलियां हवा में घबराई हुई इस तरह विचरण कर रही थी। क्या है? मुर्दा घर कहाँ है? ओ, सीधे जाओ वहाँ से दाहिने। पहली बार आए हो क्या? पहली बार आया था तो मुंह सफेद चादर से ढका था। सब ठीक हो जाएगा। मतलब ये पहली बार आया था तो पोस्टमार्टम रूम के पीछे तूने कब्रिस्तान देखा है? वहां पर मोटी कब्र है, उस कब्र के ऊपर एक मुच्छड़ बैठा रहता है। मैंने उससे कहा तू इस कब्र के ऊपर बैठता है तुझे डर नहीं लगता? वो बोला डरने की क्या बात है, मैं इस कब्र में रहता हूँ, गर्मी लगी हवा खाने के लिए ऊपर आ गया। हॉस्पिटल से भाग गया? हाँ, मैंने फैसला कर लिया नौकरी छोड़ दूंगा। क्यों? मैं लोगों से जा के मिलूंगा, किसी लोगों से मिलूंगा, उन्हें ऑब्जर्व करूंगा, उनके कैरेक्टर्स को कहानी में पिरो के मैं दुनिया के सामने हंगामा खड़ा कर दूंगा। मैं चाहता हूँ लोग मुझे एक बड़े लेखक के रूप में याद करें। बैजनाथ यादव बनारसी, जुम्मन मियाँ लखनवी, मारकंडे पांडे। मारकंडे पांडे सर, क्या बात है, आपने मुझे बुलाया? हाँ, वो कॉफी का कितना हुआ? 50 रुपया। 50 रुपया हुआ ना, ये लो, ये रहा कॉफी का पैसा। सॉरी सर, छुट्टा नहीं है। अरे देख, नहीं, तेरे पास होगा। 50 नहीं है मेरे पास, 100 है। अरे देख, देखना है ना, है ना? हाँ, 100 है ना, 100 लेते ही, 100 चलता है। 100 रुपए लीजिए, 50 रुपए आपकी कॉफी के, 50 रुपए आपके लिए टिप। पैसे मेरे और टिप तू दे रहा है? अरे यार, पैसे तेरे है तो क्या हुआ, इज्जत तो अपनी है, मैं पोजिशन के हिसाब से टिप देता हूँ। लेकिन तू नाराज क्यों रहा है? तेरे को कॉफी और पिलाता हूँ। वेटर, नहीं नहीं नहीं, मैं तो चला, मुझे नहीं देनी तेरी कॉफी। ए चिंदी चोर, वेटर। यस सर। ला 100 रुपए दे। कौन से सर? अरे अभी दिए थे ना वो। कौन से पूछ रहा है, 50 रुपए हुए ना कॉफी के? यस सर। ये ले 50 रुपए। डांस बार बंद हुआ लेकिन तुम्हारी हरकतें बंद नहीं हुई। लड़के वाले तुम्हारी शादी के लिए देखने आ रहे हैं, तुम्हारी डांस बार के ऑडिशन देखने के लिए नहीं। डक्के रहना। अन्ना मैं ऐसे आऊं चलेगा? नहीं चलेगा, बन के आ, लेकिन ओमकार जैसी नहीं, आप हरण जैसी डक्के डक्के।
आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए। आप लोगों को घर ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? बैठिए बैठिए, आप लोग हमारे घर में आया, हमारे इज्जत बढ़ गया घर का। वो शादी का एजेंट बता रहा था कि आपका बहुत बड़ा होटल का बिजनेस है। अभी आपके होटल में बड़े बड़े लोग कस्टमर बन के आते होंगे, तो उनके साथ तो आपके कॉन्टेक्ट हो जाते होंगे ना? सुना है आपको दो लड़कियां है, कोई लड़का नहीं है। तो ये सारा बिजनेस आप ही चलाते होंगे? नहीं नहीं, मेरी दोनों बेटियां चलाती थी। लड़कियों ने सिर्फ बिजनेस ही चलाया है या घर का काम भी आता है? अरे मास्टर है मास्टर। आपके अच्छी अच्छी पतिव्रता पत्नी है ना, उनके सामने फेल हुई है फेल। एक बार आपके घर में प्रवेश किया ना, आपके घर का रूप रंग बदल जाएगा। तो ये घर का रंग रूप बदलने वाली लड़की का रूप हम देख सकते हैं? हाँ क्यों नहीं। ए लाजो, शर्मिला को लेके आओ। रखना बेटी रखना और बैठना। वेरी गुड सर। बेटी वेरी गुड सर, अपना घूंघट तो उठाओ। अरे हमसे क्या शर्मा रही हो, हम भी तो तुम्हारे माँ बाप समान है, और ये भी तो तुम्हारे होने वाले पति है। मैं ओ, तू पकिया तू? अयो अम्मा मर गया रे। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? नहीं नहीं डैडी, वो तो ऐसे ही नाम निकल गया था दीपा, मैं नहीं जानता। दरवाजा खोल, गड़बड़, दरवाजा खोल। अरे दरवाजा कैसे खोलूं, अभी तो मैं अपनी आंख भी नहीं खोल सकता, पूरे शरीर पर साबुन लगा है। 10 मिनट रुक जा। 10 मिनट? यार 10 मिनट में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरे सुन यार, मैं डायबिटीज का मरीज हूँ, तुझे पता है यार। तो फिर बालकोनी में जा, जब तू टॉयलेट इंगेज रखता है ना, तो वही इमरजेंसी टॉयलेट मेरे काम आता है। अरे नहीं नहीं यार, कर्नल देख लेगा तो गोली मार देगा यार। अबे मुझे मारी क्या आज तक, जो तुझे मारेगा। फिक्र को धुएं में उड़ा था चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ा था चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता फिजूल है। ए, 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 मैन, तुम क्या करता है, मेरे बाल खराब कर दिए। पौधों में पानी डाल रहा हूँ सर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा किया तुम। अब एक काम करो, पानी तुम दूसरी तरफ दो, क्योंकि ये पानी मेरी चाय में गिर रहा है और मुझे चाय पीना है। देखिए आप ये चाय मत पीजिए। Why? Why? ये तो पानी तो पी। Shut up, you idiot! चाय भी तो पानी से बनता है। है? फौज में तो हम यही चाय पीते थे। इसने तो बिस्किट भी गीले कर दिए। कोई बात नहीं, आज चाय। लगता है बहादुर मेरी गोली खा कर ही रहेगा। आज चाय में मसाला बहुत डाल दिया। बहादुर कर्नल उसी चाय को। चुप कर यार, कर्नल को पता चल जाएगा तो गोली मार देगा। यार एक बात बता, तू अपनी इस बीमारी का इलाज क्यों नहीं करवाता? क्या इलाज कराऊं यार, कोई डॉक्टर वैद्य हकीम नहीं छोड़ा, कुछ होता ही नहीं। अच्छा इसको भी आज माने, तेरे लिए स्पेशल पेपर ढूंढ के लाया, गोवा का हकीम है, शर्त इलाज करता है। अच्छा इसे भी आजमा लेता हूँ। देखना किसी लंबी सी गाड़ी में आएगा। और देखना भैया, ये लड़का अपनी राधा के लिए एकदम परफेक्ट होगा। अच्छा मेरे दोस्त के भाई का भतीजा है, वो लड़के की बहुत तारीफ कर रहा था। लेकिन आपने उसे कभी देखा ही नहीं है तो पहचानेंगे कैसे? अबे अकल के दुश्मन, वो डॉक्टर है डॉक्टर, दूर से नजर आ जाते हैं डॉक्टर। अरे भैया तो हर राधा भैंसिया के डिलीवरी के समय होगा वा, कुछ तो करो भैया। अरे क्या बताई यादव, तो हके क्या बताई, हम 2 घंटा पहले डॉक्टर का फोन कर ले रहे। अच्छा? तो डॉक्टर हमको कहे की हम बहुत बिजी है, तू दूसरे डॉक्टर का बुलावा। रोको, कितनी देर कर दी है, लगता है डॉक्टर आ गया। हम यहाँ पर आए भैंसी डिलीवरी करवाने, कहीं कुछ लूट हो गई तो कौन लेगा जिम्मेदारी है? अबे ये तो ऑटो में आ गया, जा जल्दी जाके ऑटो छोड़वा, जा 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 जा। डॉक्टर आ गया। अरे चलो, करता जाओ ना बेशर्म के। नमस्कार जी। नमस्ते। आप नहीं, आप नहीं, हम देंगे। राधा कहाँ है?
डॉक्टर। नमस्ते। नमस्कार। अरे पहले ही से मुंह मीठा करने का प्रोग्राम बना रखा है। नहीं नहीं नहीं, हम मुंह मीठा नहीं करेंगे, पहले राधा को देखेंगे, काम पूरा करेंगे, उसके बाद मुंह मीठा करेंगे ना। अरे आप पहले बैठिए तो सही डॉक्टर साहब। अच्छा टाइम है इसका? अरे बहुत टाइम है, बैठिए चलिए चलिए। नो वरी नो वरी। भैया जी राधा के बारे में कुछ डिटेल चाहिए होंगे। पूछो बेटा पूछो। ये बताइए कि राधा आपकी अपनी है या? अपनी है बेटा, 100% अपनी है, अपनी बच्ची है। बच्ची है? बच्ची है? ये बताइए कि इस बच्ची को पहले बच्चा है क्या? डॉक्टर तुम मेरी राधा के करेक्टर पर डाउट कर रहे? अब तो ऐसी तची हो रहे भाई, पूछताछ तो करनी पड़ती है ना, चेकअप तो करना पड़ता है ना, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो भैया जी। लेकिन बेटा चेकअप करना जरूरी है? हाँ भैया जी बहुत जरूरी है चेकअप करना। बाय गॉड की कसम क्या है कि हम भी चेकअप करेंगे, और तो और हमारे साथी आएंगे वो भी चेकअप करेंगे। क्या? अरे भाई कोई बड़ी प्रॉब्लम में कॉम्प्लिकेशन हो गई तो हम राधा को अपने साथ ले जाएंगे। हाँ उसको अपने साथ रखेंगे। क्या? आप सब मिलके राधा को साथ रखेंगे डिलीवरी तक? एक बार बच्चा हो गया तो राधा को और बच्चे को हम सही सलामत आपके पास छोड़ जाएंगे। लो भैया जी चौंक रहे। देखिए सबके सामने आप हमसे एक वादा कीजिए कि जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाए तो आप रोज हमें राधा का 1 लीटर दूध भिजवाएंगे। अरे भैया जी 1 लीटर दूध क्या मांग लिया, परेशान हो गए? और इतना तो हक बनता है हमारा है? इतना तो बनता है हक हमारा कि नहीं है? क्या करने वाला है? बड़ा उठ जाए। हाँ उठ गया उठ गया। ये कोई बकरी है, गाय है, भैंस है, ये कोई तबेला है, दूध की दुकान है, चल भाग जा। एक मिनट ठहरिए, कुछ तो कंफ्यूजन है। चल कोई कंफ्यूजन नहीं है, चल। एक मिनट सुनिए, हम तो राधा भैंस के बारे में बात कर रहे थे, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम अपनी बेटी राधा की बात कर रहे हैं। छी छी छी, घिन आती हमें आपके ऊपर, किस तरह के बाप हैं आप। अरे हम तो राधा भैंस के बारे में बात कर रहे थे और आप बेटी के बारे में बात कर रहे थे। हम आपकी बेटी को न जाने क्या कुछ नहीं कहेगा अनजाने में, लेकिन आप हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं। अगर हम आपकी जगह होते तो गोली मार देते। बाय गॉड आपने हमें एक बार ये क्यों नहीं कहा कि राधा आपकी बेटी है? लेकिन तूने भी एक बार चोरी बोला कि भैंस दिखाओ। अगर हम भैंस को भैंस बोलते तो आप बुरा नहीं मान जाते? अरे तू भैंस को भैंस नहीं बोलेगा तो क्या मुझे बोलेगा? और मैं क्या पागल हूँ? तू भैंस को भैंस बोलेगा तो मैं बुरा मान लूंगा? सुनिए सुनिए, चिल्लाइए मत, बहुत टची हो जाते हैं आप। अरे हमारे एक क्लाइंट है डिसूजा, कुत्ता बीमार हो गया उनका, हमें बुलाया, हमने जाकर बोला कुत्ते को बुलाइए, बुरा मान गए, कुत्ते की तरह नोचते लगे हमको, कहने लगे ये कुत्ता नहीं है, हमारा फैमिली मेंबर है, इसका नाम है। आप बताइए। ठीक है आज से हम अपनी बेटी का नाम बदल देंगे। आप नाम बदले चाहे कुछ बदले, ये बताइए कि हरबस लाल का तबेला कहाँ है? तबेला उधर है पीछे, जा जा। हाँ जा रहे हैं, लेकिन ये लड्डू बड़े फ्रेश लग रहे हैं, एक तो खा ले। अबे तबेले में जाके गोबर खा, गोबर। चल चल निकल निकल। एक मिनट, ओ ऑटो का पैसा दे। दे रहे हैं ऑटो का पैसा? अरे दे रहे हैं, दे रहे हैं, ये लीजिए, ये निकल। चल चल अभी चल चल निकाल। एक रुक सुन, तू राकेश पांडे का भतीजा नहीं? नहीं। तो कौन है बेटू? हम जानवरों के डॉक्टर हैं, हमारा नाम है कुशाल भारद्वाज। कुशाल भारद्वाज, अच्छा नाम, माँ बाप ने बड़े प्यार से रखा है। तू प्यार से जा। अबू अपने चेहरे से बुरखा मत हटाओ, मगर मीठी सी आवाज में कुछ तो सुनाओ। मैं ये सोच रही हूँ जिस दिन आप चेहरा धोएंगे मैं आपको पहचानूंगी कैसे। इसीलिए तो अपना मुंह नहीं धोता हूँ, जब से तुमको देखा है इसी तरह सोता हूँ इसी तरह जागता हूँ। बाय द वे अपने बारे में क्या ख्याल है? रुख से नकाब हटा दो, मेरा यही सवाल है। बेगी हुस्ना, मैंने क्या था, इस चक्की में मत घुसना। अरे कहाँ जा रही है, टांगे तोड़ दूंगा तेरी अगर इस आटे के भूस से मिली तो। अबे लुच्चे लफंगे बागा बिल्ले। अपना नाम हमें मत बताइए, बड़े मियाँ तकलीफ क्या है सुनाइए। तकलीफ नस नस में उबल रही है, लावा बन के उछल रही है। मैंने सोचा कि पहले तुझे समझा दूं, इससे पहले कि मैं तुझे पिल गा दूं। अबे पिल पिले आम, बुढ़ापे के जुकाम। बंद कर, तेरे पैदा होने में 9 महीने लगाया, अभी मरने में 90 साल लगा रहा है। हाय हाय,
कैसी बातें बना रिया है मठारो अठार के। तो फिर कौन है हुसना का बाप? अब नहीं छोड़ूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा। तुझे इस महल्ले से नहीं निकलवा दिया तो मेरा नाम भी लफीफ फेंकड़ा नहीं। कल लड़के वाले हुसना को देखने आ रहे हैंगे। अगली जुमेरात को हुसना का निकाह और उसके बाद बेटे नमाज जनाजा तेरा। तुझे मौत ने आके घेरा। मौत के फरिश्ते, रमजान की जकात, निकल ले। हुसना संभल के। हुसना इससे पहले कि आपका बाप लंगूर आ जाए, चलो। अरे हुसना चलो, चलो जल्दी जल्दी। सुनो अम्मी, अम्मी। अरे चुप हुसना, तुम्हारे 8-8 बच्चे? हाँ। अच्छा, अब्बू इन 8 बच्चों को देखकर नहीं डर जाएगा? इस खो खो की टीम के साथ भी तुझे अपनाएगा, चलो। अरे पर अब्बू तुम कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ हूँ। हुसना हाँ। फिर ये कौन है? माफ करना बाजी, आपसे संबंध तोड़ूंगा, हुसना से संबंध जोड़ूंगा। चलो हुसना चलो। ओ मैं विस की बात नहीं कर रहा हूँ, आटा चक्की वाले अब्दुल की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, फोटो लाया लड़की का? कुनी लाया हूँ, लाया हूँ जे, है ना। आप क्यों हंस रहे हो आप? अरे चाचा, हंसी आई तो क्या करेगा, अब ये फोटो है, बुरके में है लड़की। अरे कोई कैसे पहचानेगा? साहब हमारे यहाँ बच्चियाँ जवान होने के बाद बिना नकाब के फोटो नहीं खिंचवाती हैं जी, क्या करें। जवानी से पहले का कोई फोटो है उसका? हाँ है ना। हाँ तो निकालो। वो भी लाया हूँ, वो भी लाया हूँ, ये है। फिर हंस रहे हैं आप? अरे चाचा, इसमें भी कहाँ सूरत नजर आती है, इसमें भी नकाब है। मामू हमारे यहाँ बेटियाँ बिना नकाब के स्कूल भी ना जावे हैं। अरे मेरे बाप, कोई बचपन की फोटो है? क्यों नहीं हैगी, बहुत खूबसूरत हैगी, 3 साल की अकीके वाली, मुंडन कह रहे हैं जिसको, मुंडन मुंडन मुंडन। मरी नहीं है, मरी नहीं है, वो पक गई है। अरे कोई ऐसी फोटो है मेरे बाप जिसमें सूरत नजर आती हो? क्यों नहीं हैगी, उसके पैदा होने से पहले की हैगी, सोनिया ग्राफी। ये उसमें भी नकाब उड़ा होगा। उस लड़के की फोटो है जो उठा के ले गया तेरी लड़की को? अरे वो तो वांटेड में है, उसकी फोटो तो पहले होगी। तो क्या है ये, लड़की की फोटो ढकी हुई, लड़के की सूरत पे आटा मला हुआ, अरे पहचानू तो कैसे पहचानू इनको। अरे वाह, अच्छी बहाना बाजी हैगी, अट भी मेरा, पट भी मेरा, अंटा मेरे बाबा का। अरे हुकूमत से पगार तुम लो हो, और मुजरिम को पकड़ने की राय पब्लिक से पूछो। दिल्ली तक पहुँच जाऊँ आज, चाहे बिना टिकट जाना पड़े, समझ गए? देखो मैं इधर जाना है, जा जा, बकवास बंद कर, नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। इनकाउंटर हो रही है, अल्लाह जी लतीफ खेकड़े का इनकाउंटर हो रहा है। नीचे जमी ऊपर आसमान, क्या भगवान। चलो चलो उठो, कहाँ जाना साहब? उठो जल्दी करो। अरे चलो जल्दी, मैं हूँ एवं तू सब का मालिक। भाई साहब गोवा चले गए हम लोग, भाई साहब ऑटो पे महाराज। अरे चलिए भाई गोवा चलिए। अरे भाई आज मेरे टूर सेंटर का पहला दिन है और इसलिए आज 40% डिस्काउंट है भाई। भोपाल जाएगी? भोपाल मेरे गोपाल, ये बस भोपाल नहीं जाएगी। अच्छा इटारसी, इटारसी ये कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है इटारसी? हाँ मेरा टाइम खोटी मत करो जाने से। अच्छा सुनो, भुसावल जाएगी? आप स्टेशन में मत आइए, स्टेशन में जाइए, ट्रेन पकड़िए, फिर आप भुसावल जाइए। अच्छा सुनो, नेपाल तो जाएगी? अबे तुझे कुर्सी फेंक के मारो, मारो क्लोजअप करते हैं। हेलो या दुनिया से डरते हैं, क्या आप क्लोजअप करते हैं?
करता हूँ। नाइस टू मीट यू सर, मैं लाल A1 टूर्स एंड ट्रेवल्स का मालिक। सर गोवा चलेंगे सर? यार चलते हुए थोड़ा लंबा नहीं पड़ेगा, मैं थक जाऊंगा यार। एग्जैक्टली, इसमें तो हम पैदल नहीं जा रहे, बस से जा रहे हैं। ओहो जी सर, और ये आप मेरा कार्ड भी रखिए। थैंक यू। अभी मेरे टिकट के पैसे तो दे। एक्सक्यूज मी, पैसे नहीं है मेरे पास। पैसा नहीं है? नो। तो ये टिकट वापस करो यार, तुम्हें ना ये विजिटिंग कार्ड की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो क्रेडिट कार्ड की जरूरत है। पहले क्यों बोला कि तुम्हें गोवा जाना है? एक्सक्यूज मी, मैंने नहीं बोला, आप आए थे। गोवा चलोगे? भला गोवा कौन नहीं जाना चाहेगा यार? अरे मैं कस्टमर से कह रहा था गोवा चलो, जो कष्ट से मर रहा है उसे नहीं मेरे लाल। गोवा नहीं, गोवा। अरे रास्ते का माल सस्ते में, अरे क्यों नहीं समझते आप लोग? अरे चलो भाई मेरे साथ, अरे आपको मैं सुविधा दूंगा। कमाल का नमूना है। अरे ये गोवा के टिकट ऐसे बेच रहा है जैसे स्टेशन बाहर लोग चप्पलें बेचते हैं। नहीं अच्छा है, मेरे नॉवेल के लिए करेक्टर एकदम जबरदस्त है, इसी से करियर की शुरुआत करते हैं। अरे जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो सिर्फ मैंने जाना। एक बार बोला ना नहीं चाहिए, मेरी समझ में नहीं आता। एक्सक्यूज मी, गोवा ले चलेंगे? अरे गोवा के लिए तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, गोवा जाने के लिए। अच्छा सर आपका शुभ नाम? माय नेम इज एंटोनी गोंसाल्वेस। पूरा मत गाना सर, बहुत अच्छा गाना, मैं हजार बार सुन चुका हूँ, मुझे ज़बानी याद है। मैं दुनिया में अकेला हूँ, ए गोवा। ओह सर, हिंदुस्तान में एक ही गोवा है, आपको टिकट दीजिए सर। मुझे वो टिकट भी एक ही चाहिए। सर डिस्काउंट काट के ना 130 रुपए होता है। हाँ तो 130 रुपए। 130 रुपए। क्या स्टाइल है सर आपका, क्या। मैं उनकी कार्बन कॉपी और आप ज़ेरॉक्स। किसकी? मालूम नहीं। हाँ अरे ये अंतुनी कौन है? वही जो फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहले बॉम्बे टू गोवा गए थे। सर आपका शुभ नाम? विश्वम बरम कोयमा वेले वेले कुट्टे। सर इसका कोई शॉर्ट फॉर्म? विटी कुट्टे। ओ विटी कुट्टी, ओके। कुट्टी ओके। कुट्टी तीन कुट्टी ना? हाँ तीन कुट्टी। सर डिस्काउंट काट के 360 रुपए लगेगा सर। क्या बात है सर, ये लीजिए टिकट। 370 है। हाँ 10 रुपए टिप। ओ माय गॉड सर, 10 रुपए टिप दिया आपने, मैं तो आपका सामान भी उठाऊंगा। सर सर आपका क्या सामान है? सामान बहुत अच्छा सर। तेरे नियत में कुछ खोट है चल। सामान बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। दोनों सामान आप ही के सर। तीनों कमाल के कैरेक्टर्स हैं यार, ये दोनों लड़कियां ना बहने लगती हैं ना दोस्त, कुछ तो लोचा है। और ये कालिया बुलडोजर, इनका बाप तो नहीं लगता। इनकी कहानी घर घर की नहीं लगती। अरे सर मैं हूँ लाल, A1 टूर्स एंड ट्रेवल्स कंपनी का मालिक। सर फर्स्ट टाइम गोवा जाने वाले को तो हमारी कंपनी 40% डिस्काउंट दे रही है। 40? और तो और सर आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। अच्छा पूरा ख्याल? मेरा तो बस एक ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है आपको? इधर आइए कान में बताता। सर मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ सर, मुझे लगता है आपने गलत दरवाजे बिल बजाई सर। सर प्लीज, मैं तो तुझे देखते ही समझ गया था तो किस टाइप का आदमी। एक्सक्यूज मी, अगर रास्ते में बस ना रुकी तो आपको चाहिए इमरजेंसी सर्विस। इमरजेंसी? हाँ एकदम बिल्कुल। दांत खुजली खा, क्या ऊट पटांग बकता है तुझे ये शरीफ आदमी कस्टमर दिखता है? आप मेरी बात का बुरा मत मानिए, मैं चांदनी बार के कस्टमर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बस का मालिक हूँ ना, तो मैं अपने पैसेंजर को ही कस्टमर कहता हूँ। अबे तो ऐसा बोल, अपनी टिकट बुक खोल, ओके, गुस्से को झाड़, दो टिकट फाड़। आप तो शायर लगते हैं। हाँ मिर्जा साहब इन्हीं को चार्ज दे के गए। आपकी तकलीफ? बेटा तकलीफ नहीं, उसे तखल्लुस कहते हैं। तखल्लुस बोलते हैं। ओके ओके, तो क्या है वो आपका? मेरा तखल्लुस अब्बू भाई चक्की वाला। तो मेरा तखल्लुस लालू भाई बस वाला। अच्छा, और मैं आटा पिसाने आया हूँ, बोरी लेके आओ। अरे बहुत बोरिंग आदमी लगता है यार। आप इसकी बात में बताइए। अरे तुम्हें जल्दी आ यार, चलिए चलो आइए।
पहले बहनोई से कर लो, फिर बहन से कर लेना आदा। अरे चलो बेटा, आटा कहीं और से जाओ, चक्की बंद। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बस में। नो, ये बस अपनी नहीं है। अरे हमारी बस तो वो होगी एकदम स्वप्न सुंदरी, सुंदरता से भी सुंदर, अति सुंदर, दुल्हन की तरह नई नवेली, वी लॉन पैलेस। आसा, हैं? एक मिनट जरा मैं आता हूँ, जरा साइड में आना, इधर आ। क्या है ये? क्या है ये? अबे बस है अपनी। इसे तू बस कह रहा है? यार तूने बोला कि अलग दिखनी चाहिए, एकदम अलग दिख रहे हैं यार। शहर का एक बंदा नहीं मिला जो इसकी तरफ ना देखा हो। कुत्ते तो भौंक भौंक के परेशान हो गए। आसा तूने मुझे बर्बाद कर दिया। अरे मेरे 2 लाख रुपए मिट्टी मिला दे तूने यार। अबे 2 लाख रुपए में टाटा कंपनी तेरे को स्पेशल बस थोड़ी बना के देगी। मारुति नहीं आती है 2 लाख रुपए में यार, बात कर रहा तू। मैं देख कितनी फिट एंड फाइन A1 बस ले गया हूं। फिट एंड फाइन? इसे तू फिट कहता है? इस बस को तू फिट कहता है? ये देख, ये ये जूम आउट है। लाल लाल ये कलर देख, इसे तू फिट कहता है? ये देख, ये देख, ये सिटिंग अरेंजमेंट देख। अरे बंदा इसमें बैठेगा तो उसे अंदर से काटे जमेगा काटे। इसे तू फिट कहता है? पूरा बर्बाद कर दिया मुझे यार। अब मैं कस्टमर्स को क्या जवाब दूंगा? लाला लाला बेटा बेटा, कस्टमर का भी आइडिया है मेरे पास। भाई वाह धन्य भाग हमारे जो आप सब अपने सम्मान और सामान के साथ पधारे। भाई कमाल है भाई, आइए 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 भाई। देखिए ये बस जो है गोवा जाने के लिए एकदम तैयार खड़ी है। आप सभी लोग अपने अपने सामान के साथ विंडो सीट पकड़ ले, क्योंकि इस बस में सारी सीट विंडो है। ये युगांडा की बस है क्या? हाँ जी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। फर तो क्या है ना, अच्छा है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ भाइयों, ये इतना डिस्काउंट दिखा के इतना लूट रहा है। पनवेल इतना कर देगा खंडाला में इतना? अच्छा सुनो यार, हमको इस बस से नहीं जाना है, पैसे वापस दे दो। सही बोल गया चक्कर भाई। एक मिनट, बस किसकी है? आपकी। बोलने कौन? आप। अरे बोलने दो ना यार। बोल दो भाई। क्या है ये बस? गोवा नहीं जाएगी। अरे यार लेकिन गोवा नहीं जाएगी, जाना है। क्या है, गोवा जाने वाली बस जो है हाईवे पर खड़ी है, आगे राम भरोसे ढाबे पर। बुला लो। हाँ देखो क्या है, ये है पिकअप बस। अरे कौन सी बस? क्यों क्यों? क्योंकि वो रनवे पर चलती है, टिच है ना बस, और बम्बई की सड़कों की हालत आपको बहुत ही खराब, मेरे जैसी हो गई है। ये पिक करेगी यहाँ से, अब करेगी पनवेल में, ठीक है ना? अच्छा चलो सामान उड़ाओ, चलो उड़ाओ। अरे आ रहा है, चलो कंपनी तो बड़ी है। अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटी, चलो जल्दी कह रहे हैं। और इसकी है, उसकी है, और अंदर भी इसकी है। चलो ये बस का जो ड्राइवर है पेंसिल सेल, कमाल का करेक्टर है, और मेरी बुक के लिए सबसे बड़ी करेक्टर है ये बस। ये बस देख के मुझे लगता है ये न्यू बॉम्बे भी बोल देगी, बस मैं तो आगे न जा पाऊंगी। देखते हैं ये सफर में कितना सफर करना पड़ेगा। आइए आओ जी, आओ जी, आओ जी, आ लाला लाला, आइए आइए आइए, चलिए बैठिए। बहुत अच्छे, वाह। ये झूमर तो दीपा बार में देखा था। तो वहीं देखा था ना, वहीं से लाया हूँ। अच्छा अच्छा, चल साइड की सीट पकड़ ले। ये क्या वॉल्वो है? चाची आगे आगे देख, रेलगाड़ी बना दूंगा। चल। अरे निशा देख सोफा, अरे इस पर तो आराम से सो सकते हैं। क्यों? सुलाने के लिए ही तो लाया हूँ, तो मुंबई बंद में एक ही मिला नहीं, पूरी बस में बिछा देता और लेटा देता। अरे इस टाइप की बस तो हमने कभी देखी ही नहीं। अच्छा हाँ, आपने अपनी बीवी की सूरत देखी है? हाँ। अरे तुझे किस बात का गम है, ये मेरी ओरिजिनल बेगम है। बल्ले बल्ले, चल कोने की सीट पकड़ ले। बढ़िया स्प्रिंग है, क्या गुलगुली सीट बनाई है। लेकिन ये मेरे हिस्से में आई है, उठ। पर मैं कंफर्टेबल हूँ। मैं अनकंफर्टेबल हूँ, उठ। क्या उठना है? हाँ। नो प्रॉब्लम यार, नेक्स्ट टाइम यार। वाह वाह, उई उई, अजीब मस्करा है। हाँ देखा, बेगम उठो तो कहना था, मुंह पे नहीं तो पीठ पे ही देना था। दासा, ये राम भरोसे ढाबे पे अपनी कौन सी बस खड़ी है? अबे राम भरोसे ढाबा भी कहाँ खड़ा है? देख सुन मेरी बात सुन, ये लोग मुंबई में चढ़े हैं,
अब सीधे गोवा में उतरेंगे, समझ गया? बस तू सब संभाल लेगा ना? अरे यार यहाँ सब संभाला हुआ, तू अंदर जाके संभाल, संभाल लेना दोस्त। हाँ चलता है मेरा डंडा, फिर आता किसी का फंडा। करेक्ट बोलो जी तुम्ही। गधा कहीं का? गधा नहीं दादा, गधा का बच्चा, डोंकी सॉन। वो कछु कैसे भागा? वो कैसे भागा? वो वैसे तुम दोनों साला नशा करके सोते रहते हो क्या? ना, 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 कल कल बिल्कुल नहीं पिया साहब। यही दिख दो पोले ले ले लो। अक्सर देखा जाए तो बाप गधा होता है या बेटा। करेक्ट करो जी। पहली मर्तबा देख रहा हूँ यहाँ तो दोनों ही गधे हैं। ये भी करेक्ट है। अब टॉम एंड जेरी की तरह मेरे सामने क्या खड़े हो? जाकर ढूंढो उसे। एक बात याद रखना, 20 साल से इंतजार कर रहा हूँ उस बुड्ढे का मुंह खोलने का। अगर तुम जोकरों ने उसको नहीं ढूंढा, तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम लोगों के साथ क्या कर सकता हूँ। राइटर है? रख लो, घर जलाने के काम आ जाएगा। क्रैक करो जी तुसी बाबा। चेबरा बुढ़ाऊ को ढूंढ, नहीं तो ये दाढ़ी वाला बुढ़ाऊ हमारी ले लेगा। हाँ ए, रोको रोको। ए, टोपी उठ। नहीं यही अच्छा लग रहा है। अबे ये तेरी माँ की गोद नहीं, मेरी बेगम की गोद है। चलेगा? मेरे को नहीं चलेगा। ये एक ही क्या आपके पास? नहीं 100 हैं। ईद के दिन फितरे के साथ बांटूंगा, आ जाना। लाइन में मिलूंगा आगे। अरे क्या तकलीफ है आपको? तमीज से बात करो, हमको गोवा जाना है। गोवा जाना है? अरे तैयारी तो आपने जीओडी गॉड के पास जाने की थी, जीओ है गोवा नहीं। चलिए अंदर आइए, आइए अंदर। पहली बार मैंने एक ही अंगल की उम्र का सुपरमैन देखा, चूसा हुआ सुपरमैन। हॉरर फिल्म में लालटेन लेकर घूमने वाला आदमी आज कृष्ण बन के बस में चढ़ा है। खैर जैसा भी है, मेरी किताब के लिए कैरेक्टर बहुत अच्छा मिला है। आज मजा आएगा सफर का, बॉम्बे टू गोवा। रोको 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 रोको, अरे रोको मुझे, अरे रोको, अरे रोको, रोक बस। थैंक यू। अभी आ जी। क्या यार, अरे कंडक्टर अभी बस चली, अभी रोक। 2 मिनट रुको ना, समझो बुजुर्ग आदमी। अरे मैं इसको बोतल भी दिया था। काय की? दारू की? करने के लिए। कितना टाइम? अच्छा क्या करें बेगम, बस उसकी थी, रोक दी। सब ठीक है ना? शांति होगी ना? ऐसा लग रहा है पूरी तसल्ली नहीं हुई। सर एक बार, सर एक मिनट। सर आपके तसल्ली के चक्कर में मैं सिर्फ चिल्ली हो रहा हूँ। एक मिनट बस। अरे यार, अरे कंडक्टर ये बस गोवा कब पहुँचेगी? क्या मालूम। अरे भाई बस क्यों रुकी हुई है? मेरी वजह से रुकी हुई है, मुझे कहना बीमारी है बस रुकने की बीच बीच में। इलाज कराइए ना, गोवा जल्दी नहीं पहुंचना है क्या? अच्छा जी अरे छुट्टा नहीं है, जा गया। हम भिखारी थोड़ी हैं। ए भैया जी। अरे यार तुम जाओ ना यार। अरे सुने तो सही, क्या है भैया जी ये बस गोवा जा रही है क्या? इधर आओ, ये बस ना दुबई जा रही है। हाँ? चलोगे मेरे साथ? लेकिन दुबई तक बस सर्विस शुरू हो गई है क्या? अरे तू तो पका मत यार, ये बस गोवा जा रही है, चला जा। चल तेरा सामान बन गया है? जो कुछ है बस यही है। इसमें कपड़े पे सब आ जाते हैं? लगता है सिर्फ कम कपड़े पहनता है। कुछ नहीं कपड़े पहनते, नंगे घूमते हैं हम। आपको तकलीफ है कुछ? इस बैग में मेडिसिन है, इंजेक्शन है, स्टेथोस्कोप है, हम डॉक्टर हैं। अच्छा डॉक्टर? अरे जानवरों को तो क्या हुआ? डॉक्टर हमें ना डॉक्टर की बहुत जरूरत है, आप ऊपर आइए। आइए। अरे क्या करें, हाथ छोड़िए, हम दरवाजे से दरवाजे दरवाजे से आते हैं। पक्का आएंगे? हाँ भागेंगे नहीं आप? नहीं भाग, पक्का नहीं। दासा एक हम इनको थोड़ा आगे जाते हैं। आइए दवाई हम चल जाएंगे। भाग नहीं, आप नहीं भागेंगे। दवाई कसम, डिग्री कसम आपको।
डबल टिकट है डबल। अच्छा अच्छा नमस्ते नमस्ते डॉक्टर डॉक्टर आइए मैं पीछे बैठ जाऊंगा। इधर आइए पीछे बैठ जाऊंगा। नहीं बैठिए मेरी बात सुनिए। आई खिड़की ले ली भैया जी पीछे बैठ जाऊंगा। नहीं नहीं भैया जी आप मेरी बात समझे नहीं। अरे लीजिए मैं मेरी खिड़की लीजिए आप लीजिए ले लीजिए है क्या उसमें खिड़की खिड़की लीजिए। गोवा गोवा हां गोवा डॉक्टर डॉक्टर हां डॉक्टर बहुत साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत 15 साल 15 साल अच्छा फिर तो आपने बहुत मरीजों का इलाज किया होगा। ये जो देख रहे हैं ना आप बहुत बड़ा अच्छा सारा ये सारा बदन छलनी है छलनी है हां अरे वो नहीं मतलब बीमारियों का गढ़। अच्छा अच्छा हां सुनिए सुनिए देखिए बहुत बुरा हाल है बहुत बुरा हाल है। मैं आपको क्या बताऊं मैं उस जगह जाता ही नहीं हूं जहां सुलभ शौचालय नहीं होता। हां पिक्चर देखे हुए तो पता नहीं जमाना हो गया। क्यों जमाना हो गया पिक्चर देखे हुए आपको? अब मुझे पिक्चर सिनेमा हॉल में देखना अच्छा लगता है। हाँ मुझे भी अच्छा लगता है। हाँ। सिनेमा हॉल में ना आजकल तो क्या है सिनेमा कम और खाने पीने का मामला ज्यादा रहता है। चाट पकौड़ी चाट पकौड़ी। लेकिन मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम। क्यों क्या हुआ? मेरे पेट पे चाट जाती है ना हाँ। तो गैस बाहर आ जाती है करके। और पिक्चर देखने में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों के लिए तो एक इंटरवल होता है मेरे 10 हो जाते हैं। ये बुरी तरह ये भी चलनी है। मैं क्या कह रहा था कि मैं देखिए मैं आपकी तरफ देखे बिना भी हाँ। सुन सकता हूँ आपको। नहीं मैं क्या आप उधर देख रहे हैं तो मुझे लग नहीं रहा कि आप सुन रहे हैं। अच्छा बोलिए। नहीं मुझे भी लगना चाहिए ना कि आप सुन हाँ, रहे हैं। तो आके बोलिए ना फिर। मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरा इलाज कीजिए। मैं प्लीज देखिए मैं बीमारी का इलाज कर सकता हूँ लेकिन आपका इलाज नहीं कर सकता प्लीज। ओ डॉक्टर साहब कर देना इनका इलाज। बात चालू होके 2 मिनट हुए हैं उन्होंने 2 बार बस रुकी है। इस रेट से हम गोवा कब पहुंचेंगे? ये क्या मुसीबत है? ये बीमारी तो है ही मुसीबत। क्या करें समझ में नहीं आता। अरे बेटा ये लीजिए खा लीजिए। इतनी बड़ी गोली? बीमारी भी तो बड़ी है आपकी गोली बड़ी नहीं होगी। ये पानी तो अंदर चला जाएगा गोली कैसे जाएगी? बताता हूँ एक मिनट मुझे बाहर जाने दीजिए। कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे छोड़ जा नहीं रहा हूँ। खिड़की पे आइए। खिड़की ले लूँ? हाँ हाँ ले लीजिए। अब मुंह में डालिए आंखें बंद कीजिए और सांस रोकिए। क्या डॉक्टर है? कैसा है महसूस कर रहे हैं भैया? अच्छा लग रहा भैया जी? भैया जी जगह पे आइए अपनी जगह पे आइए जगह पे आइए 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 आइए। और आप गोवा तक अपनी चोंच बंद रखिएगा भैया जी। क्या चाहिए? प्यास लगी है। पानी पीना है जी? आज तो मैं इसका चेहरा देख ही लूंगा। हाँ लो पी लो पी लो। इसके अंदर जरूर गॉडज़िला है और ये बाजू में ढीला है। कहीं देखा है तूने? हाँ सर बांद्रा में मिला था। बांद्रा से बैंड स्टैंड गया बैंड स्टैंड में आधा घंटा लगा फिर वहाँ से दादर गया दादर से महालक्ष्मी गया महालक्ष्मी से कुलाबा गया कुलाबा से चोर बाजार आए चोर बाजार से एक आखिर में कहाँ छोड़ा तूने इसको? बॉम्बे टू गोवा बस में छोड़ दिया साहब। बॉम्बे टू गोवा अभी हम लोग कहाँ? इंडिया में साहब। इंडिया में बाबा हम लोग इंडिया में। बस टर्मिनस से कई बसें जाती हैं गोवा कौन सी बस में बैठा होगा ढूंढेंगे कैसे उसे? बाबा सोचना छोड़ो ढूंढ के। How are you, sir? How are you? ये लेंगे लीजिए। अच्छा सर गोवा जा रहे हैं गोवा 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 जा रहे होंगे घूमने जा रहे हैं सर। घर होगा घर होगा घर भी होता है गोवा में घर भी होता है और घूमने वाले भी जाते हैं।
पुलिस वाले हो? नहीं नहीं। टीवी रिपोर्टर हो? नहीं। राशन कार्ड बनाने वाले दलाल हो? नहीं नहीं सर। देन गेट लॉस्ट, जाकर अपनी सीट पे बैठो, डोंट डिस्टर्ब मी। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा सर को। सर गोवा फिल्म फेस्टिवल के बार टेंडर है, फ्री की पीने जा रहे हैं। सुपर फास्ट बस का खटारा बना के रखा हुआ यार। अरे रे इसके जाएंगे किधर के बस का? अरे लंगोट चलती बस में जाएंगे। मेरे चिन ब्रश के मॉडल LIC के पेंशन प्लान, तेरे को क्या लगता है लफड़ा होगा? हमें कुछ सुनना, हमारे पैसे वापस कीजिए आप। हाँ। अरे कौन सी बस बनाई तूने, कैसी बस बनाई? मैकेनिक की गलती है, मेरी गलती? मेरी क्या गलती है बता यार। मेरे को मालूम था ये बस की छत उड़ जाएगी, मैंने उसको बोला भाई उड़ जाएगी, कहने लगा नहीं उड़ेगी, अगर उड़ गई तो 1000 रुपए देगा इनाम के, तो अपने 1000 रुपए खड़े, 500 तेरे 500 मेरे। ए झूठे, पैसे निकाल, निकाल पैसे, हमारे पैसे वापस कीजिए बस आप। क्या अबे क्या चिल्लम चिल्ली है बे, कौन अबे? पैसे निकाल हमारे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, दे दिए, जाके हमारे कलकत्ता हेड ऑफिस से ले लो। कलकत्ता? ये लो हेड ऑफिस कलकत्ता में। अबे पैसे तुम दोनों ने लिए, रिफंड लेने कलकत्ता जाए। अबे क्या तुमने BST की बस में सफर नहीं किया कभी? जब कंडक्टर के पास छुट्टे नहीं होते क्या बोलता है वो, डिपो जाके ले लो, तो तुम कलकत्ता जाके ले लो। आप लोग चोर हैं, चाइयां हैं, गुंडे हैं आप लोग, डकैत हैं आप लोग, हम तो कहेंगे कि आतंकवादी हैं। अबे एक जमाने में हम चंबल में घोड़ा भी चलाते थे। सैंपल दिखाएं तुमको, सैंपल दिखाएं तुमको, ताला है इसीलिए जुबान पे ताला है, वरना दिखा देता। अबे तू सब कुछ है तो हम भी कम नहीं, डोंगरी में आटा चक्की चलाता हूँ। एक अंदर गया एक बाहर जाएगा। रुक जा, बताता हूँ बेगम के सामने बेइज्जती कराएगा क्या? घबराओ मत बेगम, इनकी रिपोर्ट आज तक में भिजवाएंगे और करतूत पूरे देश को दिखाएंगे। दासा ये क्या कर दिया तूने, क्या कर दिया तूने? अबे तेरे पैसे बचा दिए यार। मेरे पैसे बचा दिए? इधर सुन, अब वो पैसे कहाँ जाएंगे? हाँ? अबे कहीं नहीं जाएंगे, वापस आकर इसी बस में बैठ जाएंगे। अरे शर्म कर, भगवान से डर, अभी भी इस कचरे को डब्बे को बस कहते है तू? हाँ? अरे कुछ तो शर्म कर। अरे क्या क्या सपने सजाए थे मैंने, क्या क्या सोचा था मैंने, मेरी बस, मेरा टूर्स एंड ट्रेवल्स, सारे सपने मिट्टी में मिला दिए तेरे दासा, तूने सारे सपने मिट्टी में मिला दिए। लाला, तुझे पता है इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा झगड़ा किससे करता हूं? मेरी बीवी से। और प्यार किससे करता हूं? मेरी बीबी से। तू मेरी बीवी का भाई है बे पागल, तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुझे बर्बाद करूंगा? मैं ये सब नहीं करता ना, ये लोग गोवा पहुंचने तक तेरा जीना हराम कर देते। अभी देखना तू, सब लोग आएंगे वापस और इसी बस में बैठकर जाएंगे गोवा, रेल बना दूंगा रेल। अरे भाई बहुत थकान हो गई, ऐसा लग रहा है जैसे पैरों की हवा ही निकल गई। अरे भैया इसका कोई इलाज है क्या? बहुत थक गए, दबाइए बस, यही इलाज है और क्या। देख अब दबा रहे हैं, आराम ही नहीं मिल रहा। दबाते रहिए, आराम भी मिलेगा। देर से मिलता है? हाँ हाँ देर से मिलता, देर से मिलता। मुझे तो हमेशा हर चीज में देर से आराम मिलता है। हाँ अब देखिए ना, बचपन से ये पट्टा गले में बांधे हूँ, अभी तक आराम नहीं मिला। मिलेगा मिलेगा, वहाँ पर भी मिलेगा। आप दबाते रहिए दबाते रहिए, दबा रहे दबाते रहिए। लेकिन खुजलाइए मत, दबाइए दबाइए, खुजली हो रही है तो। अरे खुजलाइए मत, दबाइए भाई, अरे दबाइए, खुजलाइए मत, दबाइए, कैसे होगा आप, खुजलाइए मत।
गई ना, तुम्हारी कमर गई और मेरी गई। क्या? अरे इतना भी समझता यार, क्या जरूरत थी झगड़ा करने की, भुगतना मुझे पड़ रहा है। हाँ, काम का झगड़ा किया लेकिन वो बस अच्छी थी। हाँ, अब पता चल रहा है ना बस अच्छी थी। मैं अभी भी कहता हूँ यार, झगड़ा क्यों किया? मैंने अकेले ने झगड़ा किया क्या? तू भी साथ तो नहीं आता उस टाइम, साला झगड़ा करता बोलता। ये ले, बन गई बात। मेहनत मगर बहुत हुई है। अरे भाई क्या करें, करना पड़ता लाइफ में। वो वहां बांध दिए क्या? यार मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर भैया जी, कौन है? ए भैया जी सब बहुत थक गए हैं, क्षमा मांग रहे हैं। देखा, चढ़ जा चढ़ जा, भागो 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 शिप को सालो। छपड़ा उड़ गया, नहीं चढ़ेंगे। बताओ यार। जीजा जी मान गया आपके दिमाग को, कमाल कर दिया आपने। रेल बना दूंगा रेल, और मुझे लाल से बेगम तो चाहिए भी थी, जल्दी सीट पकड़ लो। अब पता चला ना इस बस में कितना आराम है, कैसे दौड़ दौड़ के चले आए। देखो क्या है ना, जब तक आदमी डूबता नहीं है ना, उसे तिनके के सहारे की वैल्यू पता नहीं चलती है, समझे। अब कोई बोल के दिखाए बस के बारे में, दीवार उड़ जाए, छत तोड़ जाए, पहिए निकल जाए, स्टीयरिंग व्हील निकल जाए, कोई बात नहीं करेगा, कोई बात करेगा ना। क्यों, ठीक है ना चमिया? ठीक है। और तू, आए हाय देख मेरी जान, क्यों बे गाली? हाँ मान ना मान, मैं तेरा मेहमान बस। और शायरी की दुकान ठीक है दासा भाई जान? हाँ क्या बे, नर्मदा डैम फट गया, डैम फट गया। और तू बोल मुन्ना भाई MBBS? देखिए भैया जी ज्यादती नहीं हो रही क्या? आपस में बात नहीं, ज्यादा बोल रहा है, ज्यादा बोल रहा है तू। फेंकू सामान, नहीं भैया जी, 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 इसको कुछ मत बोलना। आए है लाल, तू संभाल। ओके अंदर स्टीयरिंग संभालता हूँ। अरे अरे बुड्ढा गए किधर? अरे अजीब लोग हो तुम यार, इतनी खुदगर्जी भी ठीक नहीं होती। एक बुजुर्ग आदमी बस में से उतरा और वो चढ़ा भी नहीं, और तुम लोग खामोश बैठे रहे भूत बनकर, कुछ बताया भी नहीं। तेरे ड्राइवर ने बोला था नहीं बोलने के लिए, फिर कैसे बोलते हम लोग? बेचारा डायनासोर की उम्र का एक ही बुड्ढा था हमारे पास। दासा दासा दासा, क्या यार, वो तुझसे भी पतला बुड्ढा था ना, वो गायब हो गया। अबे तो बुड्ढा कौन सा डीजल था कि उसके बिना बस नहीं चलेगी? चल जाने दे, एक बुजुर्ग तो था ना। मजा आया वो देख। ओ भाई साहब जरा इधर आना, इधर आना, एक मिनट काम है, इधर आना। आना मैं जी। हाँ नमस्कार, आप किसी चैनल का रिपोर्टर है क्या? नहीं जी, मैं राइटर हूँ। हाँ शादी हुई क्या? नहीं नहीं शादी नहीं हुई अभी तक, ऐसी कोई लड़की नहीं मिली कि जिसके साथ मैं घर बसा सकता। कैसी लड़की चाहिए? मुझे मुझे सर एकदम सीधी सादी लड़की दीपा चाहिए। दीपा जैसे। और सर उसमें इतना प्यार हो कि प्यार कभी खत्म ना हो। प्यार तो दीपा में पूरा भरा हुआ है। और सर वो इतना प्यार करे कि पति को बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। दीपा घर में हो तो बाहर जाने की जरूरत भी क्या है? और सर उसमें समझदारी इतनी होनी चाहिए कि वो मेरी भावनाओं को समझे कि मुझे क्या चाहिए। ये समझदारी तो दीपा में कूट कूट कर भरी हुई है। क्या ख्याल है दीपा के बारे में? मुझे लगता है कि मेरी अधूरी किताब और अधूरी जिंदगी इस बस में आके कंप्लीट हो गई है। वडक्कम, आप डॉक्टर हैं? आपने कई लड़कियों का इलाज किया होगा, लेकिन निशा सबसे अलग है। देखो आप बिजी आदमी है, आपको दुनियादारी नहीं मालूम, लेकिन दुनियादारी में निशा एकदम एक्सपर्ट है, किसी को भी हैंडल कर सकती है, एकदम समझदार है, वो कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देगी। तो मैं रिश्ता पक्का समझू है? आप मुझे जानते नहीं पहचानते नहीं, आप रिश्ता कैसे पक्का कर सकते हैं इतनी जल्दी? देखो शादी भाग्य में लिखा होता है, इससे पूछो उससे पूछो उससे पूछो, इसमें सब गड़बड़ घोटाला होता है।
मेरे ख्याल से आप निशा को चाहते हैं। निशा अच्छी लगती है ना? आप मेरे को अच्छे लगते हैं। अच्छा इंसान लगते हो आप उनसे भी पूछ लीजिए ना जरा। अरे उससे क्या पूछने का, इसलिए तो गोवा जा रहे हैं। क्या मतलब? मतलब शादी करने के लिए गोवा जा रहे थे, अब लड़का मिल गया, अब शादी तो क्या रस्ते में भी हो सकती है? रस्ते में? हाँ। आप बहुत जल्दी मिलेंगे? अरे बहुत जल्दी में है। निशा निशा जरा बेटी इधर आ। भैया जी ये देखिए क्या बाइक चला रहा है। एक रास्ता है जिंदगी जो हम गए। देखिए तो कोई हाथ मत लगाना, ये पुलिस केस भी हो सकता है। अरे अरे यार भाई कौन उत्तरी, ये तो वही बुड्ढा। अरे बेगम ये तो वही बस वाला है। अरे डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए। अरे आइए ना देखिए ये भैया जी ये जिंदा है, इनको हॉस्पिटल ले चलिए। चलिए आइए चलो हॉस्पिटल उठाओ। अरे उठाइए ना, देख क्या रहे आप। एक मिनट कुछ कह रहे हैं। हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, मेरा वक्त पूरा हो चुका है। ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप, वक्त तो है अभी, अस्पताल जाने का तो वक्त लग रहा है मुझे। तुम्हारे साथ बस में सफर करके मैंने महसूस किया कि तुम लोग बहुत अच्छे लोग हो, इसलिए तुमको बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा तुम सबको जीने की आस है, मैं तुम्हें जीने का एक राज बता रहा हूँ। 20 साल पहले आराम से। मैंने एक बहुत बड़ी रॉबरी की थी। चोर है बे। वो रॉबरी का माल मैंने कहीं छुपा रखा था, ये सोचकर कि वक्त पूरा होने पर ऐश करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं अरेस्ट हो गया और मुझे 20 साल की सजा हो गई। हाँ फिर? फिर 20 दिन पहले जब मैं जेल से छूटा, 2 सिपाही मेरे पीछे लगे रहे, केस सॉल्व करने के लिए नहीं फिर बल्कि इसलिए कि वो उस पैसे से ऐश कर सके। मैं नहीं चाहता वो खजाना पुलिस वालों के हाथ लगे, इसलिए तुम लोगों को खजाने का राज बता रहा हूँ। कितना बड़ा खजाना था? इतना बड़ा कि तुम सबको करोड़पति बना सकता है। तुम लोग उधर ही रुको, गाड़ी रुको बे। जेल में रह कर मैंने नहीं बच जाएगा ये नक्शा बनाया है। ये संभालो। एक खजाना पोस्टमास्टर पुराना। नाम बताओ। बोलो पोस्टमास्टर। हाँ बोलो तो। मडगांव। मडगांव बोलिए बोलिए। मशहूर मशरूम मशरूम। मडगांव बोल रहे भैया, मडगांव बोल रहे हैं। मडगांव बोल रहे मडगांव। मडगांव नहीं मर गया कह रहा है। अरे मशहूर कह रहा था यार। त्रिकोण गोला ये कुछ है जरूर, लेकिन बकवास है। आप लोगों के काम का नहीं है, मेरे काम आ जाएगा वैसे। भैया जी ये रास्ता वास्ता कुछ नहीं है, ये तो ईसीजी रिपोर्ट है। हम बता रहे हैं आपको कि ये आदमी बुढ़ाती की वजह से बहकी बहकी बातें कर रहा था, ये तो ईसीजी रिपोर्ट है। मेरे को भी देखना है। पार बंद होने के बाद मैं भी हॉस्पिटल में था, मेरा भी ईसीजी निकाला था, लेकिन ऐसा नहीं था। अरे अन्ना मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि ईसीजी बीसीजी कुछ भी नहीं है। हा? ये तो वो अपना घंटा यार क्या ये कुछ नहीं ना, ये तो फालतू है, जबरदस्ती का टाइम पास कर रहे सारे। ये लो नक्शा फाड़ दिया। अरे काय फाड़ दी तुमने वो रिपोर्ट? ये क्या किया यार, नक्शा फाड़ दिया। अभी बोल रहे थे कुछ नहीं ऐसा ही है, जब हमने फाड़ दिया तो खजाने का नक्शा हो गया। बुड्ढे ने मरते समय राज सबको बताया, हम सब इसके बराबर के भागीदार हैं। एक एक टुकड़ा मैं सबको बांटता हूँ। सबको क्यों बांटोगे भाई, सबको क्यों बांटोगे यार। तू मत लो, तू मत लो। सब साथ में है ना, सबने सुना है। बुड्ढे ने क्या बोला है,
अच्छा ठीक है ठीक है, ये जब जरूरत पड़ेगी हम सब नक्शा एक साथ जोड़ेंगे, उसमें एड्रेस देख के उसी तरफ एक साथ बढ़ेंगे। पाचा मत करो, किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। ठीक है टुकड़ा लाइए, ये लो। अरे दे रहा हूँ, क्यों फड़फड़ा रही हो? देखिए मलगांव आ गया हमारे पास। ले भाई, हेलो ले ना लाओ। तुम लोग हटो यहाँ से, जाइए जाइए। अरे वहाँ पे कोई हाथ नहीं लगाएगा। क्या हो रहा है इधर, हाँ क्या हुआ यहाँ पे? क्या नमस्ते। ए बड़ो बड़ो, मुंह खोलने से पहले मरना मत तू। 20 साल तक तूने अपना मुंह बंद रखा है। अरे ओ चाचा, भाई बहुत देर से निकल चुके हैं भाई साहब, आपको अगर कुछ पूछना है तो आपको भी ऊपर जाना पड़ेगा भैया। कौन है फिर तू? पुलिस वाला, पुलिस वाला। कौन है? मैं सर ड्राइवर हूँ। ड्राइवर? तूने इसको ठोका ना? अरे नहीं, हम क्यों ठोकेंगे? अच्छा? ठोका है? मैंने ठोका क्या? नहीं 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 नहीं। अच्छा सभी मिले हुए हैं, चलो पुलिस स्टेशन, मुंह सब लोग खोलेंगे वन बाय वन। चलो भैया जी, सुनिए भैया जी, एक सेकंड। मैं सर आपको बता सकता हूँ इसने मरते समय क्या कहा था। बता सकते हो? कोने में। हाँ बताइए। क्या कर रहा है? मैं जानता हूँ उसने क्या बोला। क्या बोला? क्या बोला? मरने से पहले उसने मुझसे सवाल किया कि लाफ्टर चैलेंज फर्स्ट का विनर कौन है। कौन है? कौन है? मुझे नहीं पता, आपको पता है? मुझे भी बोला मरते मरते। क्या दुख इस बात का है कि डांस बार फिर से चालू होगा वो देख नहीं पाएगा बेचारा। तरम दो का डांस देखना था बेचारे को। डांस? भैया जी हमको पता है। क्या कह रहे थे कि मुझे मरने में खुशी इस बात की है कि वो इंडिया को वर्ल्ड कप में हारता हुआ नहीं देख पाएंगे। बहुत खुश थे भैया जी। हेलो, वो बुड्ढा पकड़ा गया कि नहीं? नहीं नहीं सर, बुड्ढा तो मर गया सर। अरे नहीं 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 नहीं, वो नहीं मर सकता, नहीं मर सकता। वो करोड़ों रुपए की रॉबरी का राज बताए बिना वो नहीं मर सकता। सर मैं उसी का तो पीछा कर रहा था, पर मुझसे भागते भागते वो अपनी मोटरसाइकिल उसकी खाई में गिरी और वो मर गया सर। लेकिन उसकी लाश के आसपास पैसेंजर बस जो जा रही थी गोवा, उसके पैसेंजर्स खड़े हुए थे। उनमें से किसी ने कुछ बताया कि नहीं? कहते तो है सर कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं तो कहता हूँ इन सबको पुलिस स्टेशन ले जाता हूँ और अपने तरीके से इनका मुंह खुलवाता हूँ। मुंह तो क्या सब कुछ खोलकर बैठ जाएंगे ये लोग। मेरी एक बात ध्यान से सुन, चालाकी से इन लोगों का पीछा कर और उसके बाद चालाकी से राज का पता लगा खोजू। समझ में आ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ समझ गया। अच्छा तुम लोग जाओ। ये मुंबई, ये चिपलून, ये गोवा, ये बाईपास है अपना। चिपलून लंबा नहीं है कुछ? ये छोटा कर देते हैं, ये लो हो गया छोटा। अरे अन्ना क्या करें भाई, मुझे तो लगता है सीधा गोवा चलकर खजाना ढूंढेंगे। भैया जी क्या लगता है आपको कि 20 साल पहले गड़ा हुआ खजाना आप लोगों को इतनी आसानी से मिल जाएगा? कोई हलवा है क्या? अरे नहीं मिला तो क्या टेंशन है, हम गरीबी लेके पैदा हुए थे, गरीबी में जवान हुए, गरीबी में पड़े हुए, अब गरीबी लेके निकल लेंगे। मुझे तो लगता है कि हमें ट्राई मारना चाहिए। हाँ कहीं बाद में अफसोस ना हो कि ट्राई नहीं किया। नहीं देख डॉक्टर, अपने जैसे लोगों के पास दो तरीके से पैसे आते, या तो छीन लो किसी से या फिर ऐसे कोई लॉटरी लग जाए। और ऐसी लॉटरी की हमें सख्त जरूरत है भैया। क्योंकि हम में से ऐसा कौन है जिसे पैसे की जरूरत नहीं है। बात तो सही है, इसको इसके घर से भगा के लाया, पैसा ही नहीं है जेब में, आगे क्या मालूम क्या होगा। मुझे भी पता नहीं गोवा जाकर क्या करूंगा, कम से कम खजाना मिला तो नया धंधा शुरू करूंगा। अगर मुझे खजाना मिल गया तो अपनी लिखी हुई किताब पर फिल्म बनाऊंगा। दासा यार मेरा भी एक सपना है कि अपना एक क्लिनिक हो, पेशेंट आए जाए, कान में आला लगाए। कहां ऊपर क्या बात भैया, मुझे तो पैसे मिलेंगे तो सबसे पहले मैं एक वाल्वो बस बनाऊंगा। देखो भैया हम तो ड्राइवर हैं, जहां बोलोगे ले जाएंगे गाड़ी। तो भैया जब हम सबकी मंजिल गोवा ही है तो यहां पर जंगल में क्या कर रहे हैं हम लोग? चलो चलो एक मिनट गोवा कौन जाएगा? हम लोग एक्स्ट्रा लगेज नहीं चाहिए।
कौन आ गए? क्या देख रहे हो तुम लोग? अभी दो ब्यूटीफुल लड़कों के साथ आधा ब्यूटीफुल लड़का नहीं देखा क्या? ये देख, एक अंटी के गुलाब कंडक्टर यहाँ के देना दो फुल, एक हाफ फुल गोवा। आ ये बस गोवा नहीं जाएगी। क्या? नहीं गोवा नहीं जाएगी। तो क्या चिंच बुकली जाएगी? चिंच बुकली यार, एक कौले बार बोर्ड लटका कर घूम रहा है। मुंबई टू गोवा, मुंबई टू गोवा, और वो देखो वो नहीं जाएगी। अबे ए, कभी खुशी कभी गम, कभी दिन कभी रात, कभी चांद कभी तारे, कभी आधे कभी अधूरे, अबे कभी आसमान कभी जमीन, कभी कंट्री कभी रम। अबे अपने को ज्यादा होशियार समझते क्या तू? अरे लटक झटक लोग का भी भाई होते है क्या? चंगो मंगो, मैं हूँ इसका भाई। ये तो बहुत खतरनाक आइटम लाया है तू। अबे तेरे पास एक खतरनाक आइटम है तो मेरे पास भी खतरनाक आइटम है। आप हाँ, आप बताओ भाई क्या है? ए, कहाँ जाएगी ये बस? हो ना हो, खजाने का मैप उसी के पास होगा जो मैप के सिलसिले में सुनते ही किसी दूसरे की आंख में देखने लगेगा। समझा तू? जाके ढूंढ। देखा यार, कौन है बे? नहीं पाजी, ओ चोरों ने तो साड़ी ऐसी तैसी कर दी थी, मोटरसाइकिल लेकर भाग गए पाजी। ओ पाजी, अब अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में पाजी, आप ही एक सहारा हो। अबे गिराएगा क्या? ओ पाजी, जब तक आप प्रॉमिस नहीं करते कि मुझे उस पार लगाओगे, तब तक मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपका पैर नहीं छोड़ूंगा। ओ पाजी, अबे छोड़ पैर। ओ नहीं पाजी, छोड़ बे। ओ नहीं पाजी, चल से। हाँ जी, ऑलवेज। और बस में चढ़ा एक सरदार, यानी कि एक असरदार किरदार। एक्सक्यूज मी नन्हा सरदार, आप सरदार हैं या बंगाली? दोनों कैसे हो सकते हैं? एक औरत के दो पति हो सकते हैं, एक बच्चे के बाप नहीं हो सकते, तो आपके दो कैसे हो गए? यार एक बंगाली ते एक पंजाबी पति पति हो सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो फिर मतलब आपके पापा पंजाबी और माँ बंगाली? ना ना, पापा बंगाली ते माँ पंजाबी। अगर आपके डैडी बंगाली है तो आप सरदार कैसे हो गए? अरे यार एक सेकंड, आप सरदार कैसे हो गए? हमारा बाप हमारी माँ से शादी नहीं किया। ओह, तो क्या वो पड़ोसी ने किया? हमार माँ ने ना बाबा से शादी किया। तुम्हारे की प्रॉब्लम आती है? मुझे काम कर दे यार। कुछ ढूंढ रहे हैं आप? कुछ ढूंढ रहे हैं? दो बार मारा, दो बार। बंगाली आपको तीन बार मारा है। ए क्या है बुढ़ा? आपने देख की बोला क्या बुढ़ा? मैं तो घड़ी बोला की रे। कौन है बे तू? मी बाबा दियोल नाना, आई एम वेरी डेंजरस पर्सन। अब तक 56 कत्ल किया, तो बाकी है। अच्छा। बड़ा बड़ा लोग हमारे सामने मुंह खोला नहीं खोला तो हम उसको खोल दिया। आई एम वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। And you? I? Once upon a time, I was come back. When I was come back, I will take you back. अरे भागे यहाँ से। अबे क्या रहा है यार? निकलिए। अरे यार। भाग। देखा? भैया जी आपने देखा? हाँ। ये तो वो हैं जो वो। हाँ वो। बाहर बालाएं हैं भैया जी। ये तो बाहर में काम करने वाली लड़कियाँ हैं भैया जी। अरे ये तो जिंदगी भर के लिए वेटर बना देगी। अन्ना। हाँ। मुझे क्या लग रहा है कि एक राइटर को फाइटर से शादी नहीं करना चाहिए। अन्ना भैया क्या ये शादी टूट नहीं सकती? टूटे तो अच्छा है, टूट सकती है। टूट सकती है, टूट सकती है, लेकिन मैं नहीं तोड़ सकता है। तुम जाके पूछो ना टूट सकती है क्या। नहीं नहीं, मौसम बहुत खराब है। और बताया गया कि गरज के साथ ओले पड़ने की संभावना है। अन्ना ये शादी टूटे ना टूटे हम दोनों जरूर टूट जाएंगे। भैया जी क्या हुआ? भैया जी सब मारे जाएंगे,
हम सब खजाने के चक्कर में मारे जाएंगे। अरे कोई नहीं मारा जाएगा, आराम से बैठिए आप। बुड्ढा गया, हम भी जाएंगे। आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? अरे आपकी तो नर्व्स गायब है, पसीना आ रहा है, ब्लड प्रेशर हाई है, आपको तो हार्ट अटैक हो सकता है। डॉक्टर भैया जी, इन्हें डॉक्टर के पास ले जाइए। क्या हुआ? तो तुम्हें क्या हुआ? हाँ, अरे भैया जी, हमको कुछ नहीं हुआ, हमें क्या होगा? इनको डॉक्टर के पास ले जाइए। इनको इनको क्या हुआ? अटैक। अटैक 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 मतलब दिल का दौरा? हाँ हाँ, दिल का दौरा। हाँ, वैसे ही कुछ। डोंट वरी सर, डॉक्टर। अरे आप भी तो डॉक्टर है ना? नहीं भैया जी, आप समझे नहीं, इन्हें अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। तो क्या आप अच्छे डॉक्टर नहीं है? नहीं है लेकिन। अरे इलाज कीजिए इनका। अरे आप जानते हैं अभी यहाँ से बाहर ले जाकर कहीं और इलाज करने का टाइम नहीं है मेरे पास। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे अपनी मरी हुई पत्नी बाहें फैलाए खड़ी हुई दिख रही है। सीमा मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर मैं जा रहा हूँ। तो जाइए ना फिर। अरे नहीं 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 नहीं, अरे डॉक्टर खोलना अपनी पेटी और डालना इसके मुंह में कुछ। क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत है भैया? मैं भैया जी, मैं क्यों आ गया इस बस में? डॉक्टर साहब, आपके पास ये हर चीज इतनी बड़ी बड़ी सी क्यों है? गोलियां चपाती जैसी और अब ये इंजेक्शन रॉकेट जैसा। भैया जी, बीमारियां भी तो बड़ी बड़ी हैं आपकी, और कितनी सारी हैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये इंजेक्शन आप मेरे यहाँ लगाएंगे तो ये तो यहाँ से बाहर निकल आए। किसने कहा आपको भैया जी कि हम ये इंजेक्शन आपकी बाह में लगाएंगे? तो कूल्हे पे लगाऊंगा। पीछे जाइए, पतलून उतारिए और औंधे होके लेट जाइए। जाइए। आइए सर, मैं आपके पतलून उतारता हूँ। नहीं हम कर लेंगे। पक्का? जाइए, तैयार हो जाइए आप। हाँ, ये अपने पतलून खुद उतारेंगे, आप इंजेक्शन लेके आ जाइए, मैं पोजीशन संभाल लेता हूँ, ठीक है? भैया जी, सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। हाँ करो करो, आंखें बंद करो। याद नहीं कितना भी चीखे चिल्लाए कोई पलटेगा नहीं। आइए सर, संभाल के आइए, संभाल के। आज मैं इसका शर्तिया इलाज करके ही छोड़ूंगा। अरे डॉक्टर साहब, अब आइए ना, आपके कहने पे रिस्क ले रहा हूँ, पतलून भी ढीली कर दी है। चिल्लाओ वो दे रहे हैं ना। अरे डॉक्टर साहब, चुप रहो एकदम। अरे कैसे चुप रहो, इतनी बड़ी, कम से कम भैंस तो बेहतर ही है, काली तो नहीं है। अरे किस सोच में पड़ गए, घुसाइए जहाँ घुसाना। अरे वहां से देख रहे हो यार, क्या करो यार, हमारी मदद करो। ठीक है। अरे डॉक्टर साहब, डोंट वरी सर, आ रहा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन से, मैं फोकस सर। अरे यहाँ फोकस कीजिए अपना। हाँ। फोकस फोकस कर रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब, अरे चिल्लाइए मत बाबा, चिल्लाने से कुछ होगा क्या आपका? हाँ? आ, 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 तो जा रही है अंदर। वेरी गुड डॉक्टर साहब, अब सुई बाहर निकालिए, कहीं अंदर ना रह जाए। अरे क्या कर रहे हो, निकालो ना, निकाल। अरे निकल नहीं रही है। अरे कैसे डॉक्टर हो यार, कितनी तकलीफ हो रही है। सुनो भैया जी, गोवा तक ऐसे ही पड़े रहना औंधे, वरना भूलना मत तुम्हारा दूसरा कुला भी है। ए भैया, स्कोर क्या हुआ रे? 80/9 पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 80/9? 80/9। इसमें नया बैटरी डाला क्या? नया बैटरी मतलब? अरे नया बैटरी डालने से विकेट जल्दी जल्दी गिरता है। अरे कौन सी बस है यार। मत लो यार, हिस्सा मेरा भी है, मुझे भी टेंशन हो रहा है। दासा, दासा, ए आधा किलो का बाट इधर छिपकली, दे गया ना डिस्काउंट। अरे मेरी बात, अरे वो भाग गया अकेले, आप खाओ बैठ के केले। अरे नहीं ऐसा नहीं होगा, दे गया ना हाथ में दतुरा। अरे मेरी बात सुनो, वही तंबूरा कहाँ है बताना तो, किधर है दतुरा? अरे अबे दतुरा कौन बोल रहा है, दतुरा कौन बोल रहा है? दासा नाम है मेरा, ऐसे भागते भागते नहीं है, खड़े हैं यहाँ पूरे के पूरे। बस के नीचे थे, इंजन ठीक कर रहा है, घुसता है क्या? ठीक बस नहीं होगी तो पहुँचेंगे कैसे? भाग गए भाग गए, कहाँ जाएंगे भाग के बस? Thank you.
सारे लोग सो रहे हैं। मैं चाहूं तो नक्शे के सारे टुकड़े लेकर भाग सकता हूं, लेकिन भागो कैसे? पैरों से भैया जी। नहीं, मेरा मतलब बस खराब है, बस खराब है ना, बस खराब है। मंगल पांडे भी गोवा जा रहा है क्या? अल्लाह मारू कौन है तेरी अबे तू तो कुछ अच्छा हुआ ये 10 फुट का बरगद का झाड़ हमारे साथ है। अल्लाह मारूंगा कौन है? अबे कौन है तू? आमी जंगल पांडे किचु प्रॉब्लम साला ये दूसरा जंगल पांडे बन के फ्रॉम कितो आ गया? अबे मैं ओरिजिनल हूँ जंगल पांडे। आमी ओरिजिनल जंगल पांडे, आवर फैमिली जंगल पांडे, आमर बाबा ने फौज में अच्छे फौज में ओए उन्होंने अंग्रेजों से लोहा नहीं लिखता, उन्होंने अंग्रेजों से खजाना लिखता और कुछ खास बुस्ती पड़ी ना तो लोकेशन में डाल दिखता। हमें बुद्धिदारी हमें जानची खजाना कुछ मिला खजाना हमें लोकेशन जानची लेकिन आदमी की कमी है ना। ए जंगली भैया जी ये खजाना कैसे ढूंढते जरा बताइए हमको भी। हाँ, शायद हमारे काम आ जाए। टेलीविजन प्रोग्राम देखी तुम्हें रोंदहू देखी रोंदहू विच कुत्ता सूंघ के बता देता सी किथे है बम ते आमी सूंघ के बता देबो कोथा है बम कोथा है खजाना हमारी स्पेलिंग सेन इज टू गुड। क्या क्या करें अबू भैया जी रख लो काम आएगा। ओए किचु जी कैसे की क्या सोच रहे तू? मैं सोच रहा हूँ ये आदमी पांडे होकर बंगाली कैसे बोल सकता है। एक्चुअली पांडे जी होगा तभी ये बंगाली हो सकता है, जैसे बैनर्जी मुखर्जी तो ये पांडे जी। नहीं 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 अबे एक बात बता, तू पांडे जी होकर बंगाली कैसे बोल सकता है? बिकॉज जंगल हैज नो लैंग्वेजेस, दैट्स व्हाई जंगली पीपल स्पीक एनी लैंग्वेजेस, इंग्लिश क्रिश्चियन अंग्रेजी उर्दू। ओ चाचा देख देख, पहली बात ये जंगल बंगाल में नहीं, इसीलिए तू बंगाली ने मी मंगल बंगाली, फिर तू बंगाली कैसे बोल सकता पता? ओए दिखे पर्सनली आई एम सरदार बोलची बंगाली किचु प्रॉब्लम हो गए ना? टुडे आई एम मंगल पांडे बोलची बंगाली तो बाकी की प्रॉब्लम खूब ट्रेनिंग दी है अन्ना। बचपन से जड़ों कराने सब सुख है, तेरे को भी मारते है। की मेरा तो नहीं तेरा है क्या? नहीं बे मैंने तो कभी लाया नहीं। ए भाग गया अन्ना। मैं क्या बोलता है? क्या बोल? तू पूछ तू पूछ तू पूछ। अरे अन्ना तू पूछ। अरे भाई तू पूछना यार। अरे अन्ना बोल, हमारी शादी टूट सकती है क्या? शादी टूट सकती है क्या? तुम्हारे में दम है क्या इतना? दम है क्या इतना? अरे दम है तो पूछना जाके उसको। अगर दम होता तो तेरे पास काहे को आते? अरे डरे हुए लोग हैं हम लोग, बताना इसको। सही कह रहा है, हम लोग डरे हुए हैं। चल आजा चल। तेरी लड़की ऐसे मारती है सबको, देखा मैंने। लड़ाई किया मैंने ऐसे उसको। बाबा बाबा फोन करने उठाची ना। बाबा 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 पुकारू सड़कों पे। बाबा आई बाबा का मैसेज। हद छोड़ के एयरटेल में घुसने में आपका स्वागत है। एयरटेल एयरटेल ए बाबा तुम्हें जादू देखने की देखो एयरटेल और देखो बाबा तुम्हें देखो हार्ट। बाबा अबे धक्का मारो बे। अरे मारो धक्का ही मारना, अंधेरे में कुछ और मत मार लेना। मारो मारो आने को तुमको इतना चाहिए, एक तो ओवर वेट हो गए हैं और धक्के में वेट नहीं है आपका। सुनो वो तीसरा हाथ लगाइए आप। तीसरा हाथ कहाँ से लाया? उतरो मैं उतरो मैं उतरो क्या अभी? नहीं 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 हैंड ब्रेक खोलो, हैंड ब्रेक खोलो। चलो चलो।
अन्ना मुझे याद नहीं लग रहा, आदमी ऐसे होते हैं क्या? नहीं मुझे भूत लग रहा है अन्ना। डरना नहीं रहा, डरना नहीं। अन्ना सीधे खड़ो, ठीक ठीक से। डरना नहीं रहा, डरना नहीं। अन्ना हाथ छोड़ मेरा तुम। अन्ना ये तुम्हारा कौन है? भाई है। इसको क्या खाकर तुम्हारे माँ बाप ने पैदा किया है? लोखन। और तुमको? गुड़। ए भाग रहे खटपिटा है। अरे डॉक्टर साहब, अकबर। अरे मेरा पट्टे बाबरा। आ रहे आ रहे। ए पूरा टाइम क्यों स्टकले के साथ बैठा रहेगा? इधर बैठना। नहीं मुझे उनके साथ बैठना है। आ रहा हूँ। बैठ यू बे, तेरे को इनविटेशन कार्ड दूँ क्या? इधर आ तो गया। ए सीधे से बैठता है कि? नहीं नहीं नहीं, अरे भगवान के लिए। एक मिनट, फोन है फोन है। डॉक्टर साहब ये बज रहा है आपका? हाँ दीजिए दीजिए दीजिए, मेरा फोन। ए मामू बोल, डॉक्टर बिजी है। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, कहाँ हैं आप? डॉक्टर साहब जरा बिजी हैं। अच्छा अच्छा, उनको बोलना कि रानी की डिलीवरी हो गई है और उसको 40 किलो का बच्चा पैदा हुआ है। कितने बच्चे हैं? एक। एक 40 किलो? ये कुछ ज्यादा वजन नहीं है बच्चे का? अरे नहीं, गाय के बछड़े का तो इतना ही वजन होता है। गाय के बछड़े का? ये जानवरों का डॉक्टर है क्या? आप नहीं जानते? यहाँ के सारे गाय भैंसों की डिलीवरी इन्हीं के हाथों हुई है। अफसोस, आज के बाद इनके हाथ ही नहीं रहेंगे। अरे 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 डॉक्टर, 40 किलो का बच्चा, बड़े शुभ काम हुआ इन हाथों से, हाथ काट दूंगा तेरे, समझा? इन हाथों से तूने मुझे इंजेक्शन लगाया, वो घोड़े कुत्ते जानवरों का इंजेक्शन मुझे लगाया। जब से इंसानों में एड्स फैली है तब से मैं एक जानवर पे इस्तेमाल किया हुआ इंजेक्शन दूसरे जानवर पे नहीं लगाता हूँ। क्या? अबे मैं तुझे जानवर दिखाई देता हूँ, जानवर दिखाई देता हूँ। अरे 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 तुम मरीज हो, मारो मत, तुम मर जाओगे। मैं इसको जानवर दिखाई देता हूँ। सर प्लीज, ये भी मेरा कस्टमर है सर। देखो खजाना मिल जाए तो किसी अच्छे इंसानों के डॉक्टर से इलाज करवा लेना। क्या इंसानी डॉक्टर? आप किसी अच्छे इंसानों के डॉक्टर जानते हैं? हाँ डॉक्टर श्रीराम लागू। अरे कंडक्टर, ए कंडक्टर, क्या हुआ? अरे ढाबा आए तो बस रोको यार। अब आपको क्या तकलीफ है? आपने सुना नहीं? हाँ? ये बस अब सिर्फ गोवा में ही रुकेगी। यार इंसान है, भूख लगती है, खाना खाना है। और सुनो, गोवा चुप, गोवा जाकर खजाना भी तो ढूंढना है। बुड्ढे ने क्या मालूम कौन सी खाई में गड़ा के रखा है। और यार गड्ढा खोदने के लिए ताकत और एनर्जी की जरूरत पड़ती है। मान गए। क्या? ऊपर वाले ने तेरी खोपड़ी खाली नहीं भेजी, भेजे में भेजा डाला जरूर है। दासा, अच्छे से ढाबे में बस को रोकना। शायर के भेजे में ऊपर वाले ने भेजा, भेजा जरूर है। बेटा मेरे भेजे का करिश्मा तुझे उसी वक्त समझ में आएगा जब ये बंदा ढाबे पे खाना खाए। चले मुन्ना, देख देख वहाँ जाके ऑर्डर ले। एक भुक्कड़ की वजह से अच्छी खासी बस रेलवे ट्रैक से उतर गई है। भैया जी खाना नहीं खाएंगे? खा लीजिए। खाना नहीं खाएंगे? फ्री में खिला रहे हो क्या? हम क्यों खिलाएंगे फ्री में खाना? आप खाइए अपने पैसों से, कोई लंगर खोला हुआ हमने? खाइए खाइए, हमारे पैसे से हम जी चाहे जब खाएंगे। हाँ तो खाइए ना फिर। क्या है? बहाना बना के खिसकने की कोशिश कर रहे हैं, जाने नहीं देंगे ऐसे। स्कूल में ससुर ज्योग्राफी पढ़े होते तो बात समझ में आ जाती। क्या है कि ये रोड है, ये अगर यहाँ नहीं हो। नक्शा देख रहे हैं भैया जी? हाँ हाँ, देखिए जरा, आपको समझ में आए कुछ तो हमको भी समझाइएगा।
इससे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। अरे आपकी बेगम इतनी दूर आपसे दूर क्यों बैठी हुई है? अरे वो गैर मर्दों से शर्माती है, इसलिए अकेले में बैठ के खाती है। अरे बुला ना उसे। एक मिनट, एक बात बता दो ना, सच सच बताओ, बुरके के अंदर माल क्या है? यार इसको टेंशन क्या है, बुरके में मेरी बीवी है, तेरी बेटी या बहन नहीं है। पक्का? क्या खाओगे? बातें ही करते रहो। चुप चुप, क्या खाओगे क्या खाओगे? अबे ऑप्शन क्यों दे रहा है तू? क्या अभी तो मुझसे क्या? नहीं, जो बना है जो तैयार है सबके लिए लेकर आ, कोई ऑर्डर मत ले। ए सुन, हाँ मेरी बीवी को एक सा खाने की आदत नहीं, उससे पूछ लेना वो क्या खाएगी। है जी जी जी। ये अभी के खाने का ऑर्डर दे रही है या पूरे साल का? बुरके के अंदर सामान क्या है? कोई भौकाल है? भूत नहीं हो सकता भैया जी। हाँ अच्छा, अपने नौटंकी से ज्यादा तो इनके नौटंकी चल रहे हैं, लेकिन जान दे पहला पोटो बन अंतर ईटो बन। पहली बार मूछ वाला लस्सी का गिलास कहीं गया है, पता करता हूँ काला जाम का रहस्य क्या है। आदाब। 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 मर्दानी आवाज। बस ये अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी आदमी से प्यार करता हूँ। शुरू से मुझे डाउट था कि इस बुरके में कुछ लफड़ा है, ये है उसका आइटम। अबे खजूर, वो आइटम नहीं ढाबे का वेटर है। हाँ, क्या खाओगे? अरे चलना, ऑर्डर तो देना। अरे जा तो सही, चलना। तो वो किधर है? वो आटे की बोरी है ना, अपनी बीवी को लेके खिसक गया, खुद भी भाग गया और बुरके वाले को भी ले गया। कम से कम एक बार तो देखने को मिलता बुरके के अंदर क्या और कैसी है। अरे बुरके में क्या था ये सोचना छोड़ा, ये सोच यहाँ से भागा और सबसे पहले गोवा पहुंच जाएगा। तेरे को मालूम है उसके पास मैप का मेन हिस्सा है। जब तक हम इस नमूने जिसे हम बस समझ रहे हैं गोवा पहुंचेंगे, वो खजाना लेकर गायब हो जाएगा। बाकीतलस बोलली होती ना तुला मी, नक्कीच काही तरी गड़बड़ आहे म्हणून। खजाना दो घंटे के अंदर ढूंढ लेगा पोस्ट मास्टर को। वो खटिया लोग हैं, क्या जमाना है लालची। अरे थोड़ा सा हम भी ले लेते तो क्या चला जाता चोर कहीं के। करोड़ों के खजाने का तो वो अकेला मालिक बन जाएगा। दासा, दासा! अरे सबके सब भाग गए। भाग गए? अरे भाग गए सबके सब। अरे तू कहाँ भाग रहा है मुझे छोड़ के? किधर गया? दौड़ा, हमको खजाने के पास सबसे पहले पहुंचना है। अबे बस की कोई गारंटी नहीं है बे, मेरी गारंटी है, बैठ पीछे। अरे मेरी बाइक कहाँ गई? हटो, मडगांव जाएगा? जाएगा ना। ये ले ₹1000। अरे अरे मुझे भी जाना है यार। अरे एक सेकंड सुन भाई, मडगांव जाएगा? हाँ, ₹1000 देता हूँ, ये ले। थैंक यू साहब। अरे पागल, मुझे जाना है। अरे यार एक सेकंड, सुनो ओ भाई, रुको, मडगांव जाना है। हाँ। ₹1000 दूंगा मैं, चलूंगा। हाँ जाओ, ये लो ₹1000। रुको, अंकल भी आ रहा है। किसको? अरे यार, अरे खजाना लूटने चला था, मुझे लूट के चले गए। अरे झुमरो, अरे झुमरो सुन तो, अरे झुमरो इस पर कहाँ जा रहा है? खजाना ढूंढने। इस पर और कुछ नहीं मिला क्या? तो मेरे को देते क्या? लिफ्ट, मेरे दुआ तेरे को मिलेगी, और मेरा क्या आगे ना पीछे ना ऊपर ना नीचे, और खजाना भी तेरे कुछ मिलेगा। सच्ची? आजा पहले आजा, वैसे भी तुम लोगों की दुआ में बहुत असर रहता है। आजा। तू गोवा के पैदल जाएगा?
नहीं तो क्या मेरा कोई हेलीकॉप्टर आएगा डग 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 और मेरे को लिफ्ट करके ले जाएगा। ए, तू चिढ़ता क्यों है रे? हेलीकॉप्टर नहीं तो कम से कम हम लोग गाड़ी से लिफ्ट तो ले सकते हैं ना। हाँ गुड आइडिया रफ्जा, कुछ करना है तू। कैसे अपने सिस्टर को लिफ्ट दे रहे हो? अपने जीजा जी को भूल गए? आओ सिस्टर, हॉस्पिटल की बहुत बड़े हॉस्पिटल की सिस्टर है, अलग पर्सनालिटी है। तुम चलो 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 लेकिन खजाने से पास नहीं आएंगे। खजाना हाथ में आ जाएगा तो शायद थोड़ा और जी लेंगे। वो तो वही है जिन्होंने मुझे ऑटो से गिराया था। फास्ट चलो फास्ट, चैनल आज तक की तरह बस का पीछा कर रहे थे, बस का पीछा किया, देखा कि पैसेंजर तो है ही नहीं। कहाँ भाग गए? लगता है गोवा गए हैं सर, और उनका अचानक से गायब होना मुझे लगता है बस उनको खजाने का पता चल गया। तुम एक काम करो, अपने जोकर बेटे को अपने साथ लो और एंजॉय करो। एंजॉय? थैंक यू सर, थैंक यू। बाबा हम लोग एंजॉय तो दादा की कर बे। अब जो कुछ करूंगा वो मैं करूंगा। अरे इस नकली बोर्ड ने क्या फायदा दिया हमको? मान गया तेरे दिमाग को, आज तेरे दिमाग को चूमने को दिल करता है। करेक्ट है, क्या बोला था मैं तेरे को? अरे चला दे तू। वो लोग जाएंगे चेन्नई, हम लोग जाएंगे किधर? गोवा। रेल बना दूंगा, रेल रेल गाड़ी, रेल गाड़ी, रेल गाड़ी। अरे ये देख, ये बाइक टायर नहीं है। अबे दोनों नहीं क्या? ऐसा उल्टा क्यों होता है यार? एक टायर तो छोड़ जाता, हमारा एक से काम चल जाता। कौन कमीना लेकर गया वो टायर? वही तो मैं सोचूं बेगम कहाँ जाके बैठी है, मगर मारुति तो ट्रक में जाकर बैठी है। इससे बड़ा नहीं मिला क्या? नहीं। अरे अपनी सोई किस्मत जगाओ, मैं बैठता हूँ, चलो ट्रक भगाओ। ये भी जा रहे, ये भी जा रहे। अरे अरे बेगम अपनी मेहनत का रंग छा गया, पोस्ट मास्टर का घर तो आ गया। भैया कोई है क्या? हटिए, कोई है? हाँ? कौन है भाई? ओहो हो हो, अरे कौन है भाई? चलो ए, ए, ए भाई, ए भाई, ए भाई, कौन है आप? अंदर कैसे चले आए? मास्टर था। अरे तुझसे ही मिलने आया हूँ। मुझसे? एक राज का पता करने। गोवा के जितने पोस्ट मास्टर है सबको निपटा के आ रहा हूँ, सिर्फ आखिरी पोस्ट मास्टर आप ही बचे। नहीं, 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 नहीं भाई नहीं, मैं अब पोस्ट मास्टर नहीं हूँ। वो तो 20 साल पहले चोरी करते पकड़ा गया और नौकरी से निकाल दिया गया। अच्छा, तो तुम भी चोर थे, मरने वाला भी चोर था। अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़ दे भाई, मैं तो 20 साल से अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर रहा हूँ यार।
कैसे छोड़ दूं? जब तक खजाने का पता नहीं बताएगा ये अब्बू तुझे यही निपटाएगा। अरे कौन सा खजाना भाई, मैं तो किसी खजाने को नहीं जानता, मेरा किसी खजाने से संबंध नहीं है। मैं तो सिर्फ लोगों की चिट्ठियों में से 1-2 रुपए का टिकट चुराया करता था बस। मेरे समझ नहीं आता, मैं खजाने की बात कर रहा हूँ, 1-2 रुपए की बात करता है? अबे वो करोड़ों का खजाना कहाँ है जो मेरे बाप ने तुझे रखने को दिया? अरे तेरे बाप ने मुझे क्यों रखने को दिया था? और कौन था तेरा बाप? अरे जिसने तुझे खजाना दिया। अरे मारा किसने दिया था खजाना? मेरे बाप ने। अरे तेरे बाप? अरे अरे कौन है? सुन, अंडरवर्ल्ड के लोग पहुंच गए। अच्छा। हाँ, वो हमें मारना चाहते हैं, हम छुप रहे हैं। और खजाने के बारे में पूछे तो मत बताना, वरना तुझे मार के खजाना लूट लेंगे। अच्छा। बेगम चलो, इधर चलो बेगम। अच्छा। अरे अंदर घुसो बेगम, जल्दी हट जा। ए भाई, ए भाई। अरे क्या? इसको पूछ। क्या? पूछ ना। क्या? क्या ऐसे क्या घूर रहे? क्या हम कोई अंडरवर्ल्ड के शूटर हैं जो तो गोली मारते हैं? हमें मालूम है तुम्हारे साथ के सारे लोग मर चुके हैं। हम पूरे गांव में से पता करके आए, तुम एक ऐसे बचे हुए आदमी हो जो 20 साल पहले पोस्टमास्टर थे और आज भी जिंदा हो। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? गोली ले लो। नहीं नहीं, गोली वोली नहीं भाई। देखो भैया, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास कोई खजाना नहीं, ना कोई यहाँ पर कोई खजाना छिपा के गया। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। हमने खजाने के बारे में पूछा नहीं, कोई छिपा कर गया है ये बात बता नहीं, तो तू कैसे जानता है कि हम खजाने की बात कर रहे हैं? सुन, वो जो खजाना है ना, वो मेरे बाप ने दिया था। अरे बाप, जो चला गया। अभी इज्जत से बता कि वो खजाना कहाँ है, वरना। देखो लगता गुंडे आ गए, उनको हमारे बारे में कुछ मत बताना, खजाने के बारे में तो बिल्कुल कुछ मत बताना, वो तुम्हें गोली मार सकते। गोली? गोली? नहीं नहीं नहीं, गोली नहीं मारना भाई, मुझे खजाने के बारे में कुछ पता नहीं। खजाने के बारे में पता? ये इससे पहले से पता। गोली? गोली मत मार भाई, गोली। भैया जी आप नहीं समझे, आप नहीं समझे, ये जो हमारे भैया जी हैं, इनके बाप आज से पिताजी आज से 20 साल पहले एक खजाना चुरा कर आपके पास रखवा गए थे, वो खजाना ये लेने आए। भैया जी बताइए, इनको लेने आए? बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। गोली मत मार। देखो जो भी है उसको मालूम न चले कि हम लोग यहाँ पर हैं। अच्छा। हाँ? ओके। गोली कहने वाले चलेगी? ये लो चलेगी। मुखला अब ये गोली है? हाँ। अरे सीमा खामखा डर गया, ये क्या कर रहे हैं आप? मुंह ऐसे बना रहे से उल्टी करने वालों, चलिए अंदर। अरे काम वाली बाई की जरूरत नहीं है। ए, मैं क्या तेरे को काम वाली बाई दिखती क्या रे? हाँ? नहीं नहीं नहीं, क्या मेरे क्या बाप ने यहाँ पे खजाना रखा था 20 साल पहले, वो लेने को आई मैं। अरे कौन से खजाने की बात कर रही हो तुम लोग? ए, अगर किसी को बताना कि हम यहाँ है, अरे यार ये कौन है, आज क्या दिन है? बता, मेरे और इसके बाप ने 20 बरस पहले खजाना रखा था, वो कहाँ है? अरे मुझे कुछ बताने, कौन सा खजाना है? कोई आया, किसी को कल बताना नहीं, हम कहाँ छिपे हैं? खजाने के बारे में समझा? कहाँ छिपो? कहीं भी छिप जाओ, कहीं भी भाई। साल पहले मेरे बाप ने खजाना रखा था, किधर है? नहीं नहीं मुझे नहीं पता भाई। बोलना किधर है? अरे न चाहिए राजा, मुझे खजाने के बारे में कुछ पता नहीं थे रखवे। उजड़े चमन, बोल खजाना किधर है? अरे मेरे घर में क्या हो रहा है आज, ये क्या हो रहा है? किसी को बोलना नहीं, हम लोग इधर है। चुप 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 चुप। अबे लाला ये तो बहुत पुराना आदमी लग रहा है, यही होगा वो पोस्टमास्टर। मेरे पास पूछ ले जरा। अच्छा ये बता, हमसे पहले कहीं कोई यहाँ आया तो नहीं था? नहीं मतलब खजाने का पता करने तो नहीं आया था कोई? अरे हम उस खजाने के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमारा बाप मरने से पहले ये कह के गया था कि मड़गांव के पोस्टमैन के पास वो खजाना पड़ा हुआ है, लाओ हमारा खजाना वरना। लाओ 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 दासा, धमकी मैं दूंगा, मारेगा तू? तू धमकी दे दे। कहाँ है वो खजाना? खजाना दे वरना। वरना वो पुराने आदमी? ए वरना। अबे ये बुड्ढा तो धमकी में ही निकल लिया, अबे इतना जोर से थोड़ी धमकाना चाहिए था यार, मर गया ना पोस्टमास्टर। लगता है ये तो बेहोश हो गया। अरे पानी मारो पानी। अबे तेरी
ले। अरे ये होली खेला बंद करो, बुढ़े पानी मारो यार। ए भाई, ए भाई। ओ भाइयों, ओ भाइयों, आगे कुछ भी पूछने से पहले मुझे सिर्फ एक बात बताओ, वो कौन बुढ़ा था जिसके इतने सारे बच्चे हैं? और तुम लोगों ने ऐसा क्या किया जो मरते मरते भी वो बुढ़ा तुम लोगों को झूठी खजाने की बात बोलकर चला गया और तुम लोग पागलों की तरह खजाने के पीछे भाग रहे हो? ये झूठ नहीं है। अगर मेरे पास खजाना होता तो क्या मैं इस हॉल में रहता, किसी बड़े हॉल में रहता? बिल्कुल, 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 में रहता। करेक्ट। तो फिर ये बताइए, मरते मरते बुढ़ा झूठ क्यों बोलेगा? सही। अरे उस बुढ़े की मति मारी गई थी, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अबे एक मिनट, एक मिनट, नक्शा किस किस के हाथ में है? हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। देखो भी ऐसा है, टेबल पे वापस नक्शा रखा जाएगा, जोड़ा जाएगा, फिर देखा जाएगा चिपलूट से मड़गांव कैसे जाया जाए और खजाने तक कैसे पहुँचा जाए। करेक्ट है, करेक्ट है। नक्शा तो इसी जगह का है, हो सकता है कोई दूसरा पोस्टमास्टर हो। लो सारों से तो मैं पूछ के आ गया, एक आप ही तो जिंदा बच्चे हो। अरे हो सकता है कोई दूसरा भी हो, मेरे पार्टनर्स, सब लोग मेरे साथ आओ, हम सब मिलकर खजाना ढूंढते हैं। अरे ये बिना नक्शे के पार्टनर बन गया, इसकी माँ की और मेरी माँ की कुंडली सेम है भाई। देखिए 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 देखिए, ये गलत है, हम आवाज उठाएंगे इसके खिलाफ, गलत बात है। ये कौन है? जानवरों की तरह बात मत कीजिए। आप जानवरों की तरह बात करते जी। ऐसा है कि बिना नक्शे के जो खजाना मिलेगा आधा मेरा होगा और आधा मेरा। अटेंशन, आधे इधर आधे उधर, मत जाओ, सब हमारे पीछे आओ। राम राम। हाँ राम राम। बड़े जादू साहब को बुलाओ ना, वो तो ऊपर चले गए। ऊपर चले गए? अरे जयराम भाई, जयराम भाई, जयराम भाई, ये विठल भाई कहाँ रहते हैं आजकल? वो तो कब का बेच कर चले गए। जमुना भाई, अरे जमुना भाई, हम दिखाते हैं। अरे पठारे साहब, पठारे साहब, क्या है? नहीं नहीं, पठारे साहब को ढूंढ रहा हूँ। पठारे साहब कहाँ है? अरे कौन पठारे, यहाँ कोई पठारे बठारे नहीं है। ये पोस्ट मास्टर सावंत की वाली। अरे कौन पोस्ट मास्टर? अरे सावंत, सावंत की वाली। अरे यार, अबे यार एक बात बता। हाँ भाई। पार्टनर बनने के लिए बड़ी उछल कूद मचाई थी आपने, किसी को जानते भी हो आप? अरे भैया मैं जानता हूँ। दास इस नर के इतने फाट कर कि ये पार्टनर का नाम भूल गया। भैया एक बाड़ी, एक मिनट, आखिरी है ना? हाँ बिल्कुल, आखिरी है तू। अरे हाँ बिल्कुल, चल आजा आजा। ये पुतला तो मडगांव के सबसे पहले पोस्ट मास्टर का है। इसको कैसे ढूंढेंगे? अरे कि तुम्हारे बाप ने इसके पास तो खजाना नहीं रखा था। हा? अरे खजाना रखा थोड़े जाता है, गाड़ा जाता है। अरे गाड़ा है तो फिर खोदो ना यार। अरे कैसे खोदेंगे भैया, ये हाथ से खोदेंगे? कुछ लाइए, एक मिनट, आप तो अपने इंजेक्शन से खोदो, एक से एक बड़े पड़े होंगे तुम्हारे पास। इसका तो हाथी फावड़े जैसा है, इसी से खुदवाते हैं। ये लो, खोदो अभी। हाँ, चल। हाँ? ये कोई गाड़ी चलाने का काम है क्या? हटो। ये धन करके कैसी आवाज आई भैया जी? अरे पुतला तोड़ रहे हैं, पुतला। अबे तोड़ेगा क्या वो? अरे तोड़ेगा नहीं, उसको तोड़ दिया। Yeah.
क्या भैया जी, आपने फंसा करा दिया। अरे अन्ना खजान चाहिए, लगता चला गया। मारना नहीं, पहले बोलता हूँ। अरे कहाँ गया? बड़ी मुश्किल से मिला था यार। कसरी दे रहा, मैं तो तुमको बद्दुआ। अच्छा पकड़ लाए, झुंझुना दे। अबे ये डांस क्यों दिखा रहा है? इतना लंबा लॉलीपॉप क्यों खा रहा है? निकालूं? एक काम कर, तू झुक जा। अब क्यों डर रहा है? मुंह में डालते समय नहीं डरा, अब निकालते समय डर रहा है। चल झुक। सुन, तेरा ये आइटम तो नहीं निकलेगा, इस चक्कर में मेरा खजाना निकल जाएगा, ये देख। क्या क्या करना है? ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, अंदर करूं ये 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 ये। अरे इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे बाप रे, काम क्या यार, ये खाना मैं तैयार। अरे यार ये बहुत जोर की लग गई, कर लेता हूँ, नहीं तो भागा नहीं जाएगा। क्या मुसीबत है ये, जब गलत वक्त पे लगती है तो। ए, कौन है? भैया जी हम हैं। रुके, ए, रुके, ए, रुक, अरे तास की बोले भागा नहीं जा रहा है। अटक गया क्या? जहाँ से मारुति गाड़ी जाती है वहाँ से ट्रक नहीं जाता। तुम घुसे ट्रक लेके फंसे रहो, फंसे रहो। डॉक्टर साहब धीरे, एक तो टांगी फुल है मेरी। क्या? अरे यार मैं कहाँ से निकालू, मेरी तो अपनी अटकी हुई है यार। डॉक्टर को मारेंगे ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। आज नहीं लड़ूंगा। देखिए देखिए, हम औरतों पे हाथ नहीं उठाते, हटिए यहाँ से, हटिए हटिए, वरना। डाकू हसीना, मुझे आ रहा है पसीना। अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा, सच बोल रही हूँ भाई मियाँ, किसी बुरके वाली को मत छेड़ियो, बहुत मारती गिरा गिरा के। देखिए भाई साहब, आप जाइए यहाँ से, हमें इस तरह का कोई शौक नहीं है। अच्छा अच्छा, फंस गया है, निकालना है, निकालना है।
निकालना है निकाल। ऐसे नहीं निकलेगा, लेकिन तरीका है हमारे पास। निकल गया, पेट में गया। पेट में? अच्छा कोई बात नहीं, घबराइए मत, कोई बात नहीं। ये दो गोली है, ये गोली रात को सोने के बाद, ये लो पकड़ो, और ये गोली सुबह उठने से पहले। हाँ, रात को सोने के बाद, सुबह उठने से पहले। एक कार उठा तेरे बाप ने कभी ऐसा किया था क्या? बक्सा मुझे दे दे, नहीं तो काट दूंगा। दासा, लाला, तू निकल ले। निकलू? और तू? 35 साल हो गए। मतलब? करेक्ट है, तू निकल। पार्टनर, दे 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 दे। नहीं अबे सीधी तरह देता है या मारूं पत्थर तेरी खोपड़ी पे। नहीं देगा। थैंक यू पार्टनर, वहीं लटके रहो, एहसान फरामोश। ए भैया जी, हमको आप बेवकूफ समझते हैं क्या? पोस्ट मास्टर का है, पोस्ट मास्टर का ही रहेगा, आगे मत बढ़ना, नहीं तो एक खबर। पहले चलता है मेरा डंडा, फिर आता है किसी का फंडा। कौन है भाई? मेरा बाप खड़ा है। इदला। अबे ये नया करेक्टर कौन है बे? भाई मुझे तो कोई टॉप का विलन लगता है। ए कौन चो? टॉप का विलन नहीं, टॉप का कॉप। माफ करो, माफ माफ करो कॉप जी। पुलिस वाला है। तुम लोगों ने अच्छी गैंग बना रखी है, शाबाश। जो केस पुलिस 20 साल से सॉल्व ना कर सकी, वो केस तुम लोगों ने एक ही दिन में सॉल्व कर दिया। थैंक यू। तो मुझे तुम लोगों से कहना चाहिए, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय। तेरे माँ की और मेरी माँ की कुंडली सेम नहीं हो सकती। जब इतनी मेहनत से 20 साल पुराना हमने खजाना ढूंढा है, तो हमको इनाम इनाम मिलना चाहिए। एक काम करते साहब, हम सब आपके साथ पुलिस चौकी चलते हैं। कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। हम पीछे चलने की नहीं, साथ चलने की बात कर रहे हैं। एक होंचू, मेरी बात ध्यान से सुन, ना तो कोई मेरे साथ आएगा और ना कोई मेरे पीछे आएगा, ओके? ए दड़ियल, हम पीछे क्यों चलेंगे? इतना मेहनत करके आए, तू घबराचौक कर देगा। इस बार गोली जमीन पर नहीं, तुम लोगों की खोपड़ियों पर चल गई। 20 साल से इस खजाने के पीछे लगा हुआ हूँ, और तुम लोग क्या सोचते हो, ऐसे ही ये खजाना तुम भीख मंगो में बांट दूं? नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ना, पीछे पीछे। सर, आज तक मैं आपका साथ यूं दे रहा था कि ये सोचकर कि 20 साल के सर्विस रिकॉर्ड में ऐसा कोई केस नहीं है जो आपने सॉल्व नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा कि ये केस भी आप अपने तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन नहीं सर, आप तो बहुत चालाक निकले, पुलिस डिपार्टमेंट को धोखा देकर अपने रिटायरमेंट के प्लान बना रहे थे आप। वाह वाह। I'm sorry sir, I have to arrest you. No, you can't arrest me. जब तेरे को मालूम है कि 20 साल तक मेरा जो रिकॉर्ड है वो स्पॉटलेस रहा है, तो तू कैसे साबित करेगा कि ये खजाना मैं पुलिस स्टेशन नहीं खुद के लिए ले जा रहा था? सिंह अंकल, स्टिंग ऑपरेशन फिर से? हाँ, तुसी जो तो साबा पाई चलो ना, घनन गोली दी, कट एंड पेस्ट, अब जेल दिखे, सांध बिला, राजा बुंदिला, तुसी देखते रहे ना जी। और सिंह अंकल, तिहाड़ जेल, केबिन नंबर 9, चल बे, चल बाबा चल। चलो। सर, जाते हुए कदमों को रोकिए, हमारे बारे में भी कुछ सोचिए। साहब साहब, सुनिए सुनिए, आप तो विलन नहीं हो ना? करेक्ट है। तो साहब, आप तो कुछ नाम दे दो, कुछ उसमें से हमको भी दीजिए। दोनों को छोड़ा छोड़ा। साहब, तुम खजाना दो ना। हाँ सर, हमारा भी। पुलिस से इंफॉर्मेशन छिपाने के इल्जाम में मैं तुम सबको गिरफ्तार कर सकता हूँ।
करेक्ट है, लेकिन नहीं कर रहा हूँ। करेक्ट है, यही तुम लोगों का इनाम है। करेक्ट है। लाला निकल ले। लेकिन दासा मैं बस... करेक्ट है। चलो बड़ो, खजाना भी गया, मेहनत का फायदा भी नहीं हुआ। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, हमारे साथ यही होना चाहिए था। क्या अच्छा हुआ? अरे क्या अच्छा हुआ? अरे करोड़ों का खजाना हमारे हाथ से निकल गया और तू बोल रहा अच्छा हुआ? अरे लाला हम लोग बुरे लोग नहीं है भाई, लेकिन खजाना देखते ही कैसे कैसे कुत्ते की तरह लड़ रहे थे हम लोग। कहाँ कहाँ कहाँ, गलत बात है, लालच आ गया था हमारे मन में। बात तो तेरी सही है दासा, एकदम जानवर बन गए थे हम, लेकिन फिर भी अगर खजाना मिल जाता तो थोड़ा तो। ये देख देख, ये स्टैच्यू सालों से कितनी शान से खड़ा था, आज लेटा है बेचारा किसकी वजह से? इन सालों हमारी वजह से। हमारी वजह से? हाँ। चलो उठा उठा चल। लेकिन एक बात बताओ दासा, लालच क्या सिर्फ हमारे अंदर आया था, इनके अंदर नहीं आया था? आओ सब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बे चलो चलो, आखिर में एक काम तो अच्छा कर दे। अरे चलो, मैं हूँ ना। आप तो हो, मुझे पता है आप तो हमेशा रहोगे, लेकिन ये पुतला उठाने के चक्कर में मुझे पता है मैं नहीं रहूंगा। अरे सामान गिरा दिया ना। अरे हीरे, असली हीरे, हीरे। एक अच्छा काम हम लोगों ने किया तो ऊपर वाले ने आगे बढ़ के हमें खजाना ही दे दिया। क्या बात, बहुत अच्छे। अरे माय पार्टनर्स, अपना अपना हिस्सा उठाओ। मुझे भी तो देखने दे। हीरे about this. Don't think you'd like to miss. Check, check, you're rolling in the hay. We made our day. Quiet, quiet, say cheese. Hum bure hai, par hai insaan. Dil ke hum hai shaitaan. Hum bure hai, par hai insaan. Dil ke hum hai shaitaan. Paani kam cha, samjho raba. You call on a track, oh. Shaitan, don't come down. Some kind of a you come on and try. Oh.